ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे। आंखों के नीचे पड़ पड़ करके गड्ढा आ जाना चाहिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग बड़े फ्रेश लग रहे हैं, नहीं कुछ लोग लग रहे हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई हो रहा है देख करके, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत ही एकदम फ्रेश लग रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से चल रहा होगा। और हम लोग का सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, आप लोग को ये सब एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि ये सब होगा, तो जो भी रहता है हम लोग का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही रहता है। सर, रिवीजन, रिवीजन का तो बात मत करो, हर क्लास में आपने क्या किए? इन एवरी क्लास वी रिवाइज, एवरी क्लास, हमेशा कोई भी क्लास आते थे पिछला क्लास का रिविजन होता था। तो बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज अपने इकट्ठा हुए हैं, पेपर कैसे टैकल किया जाए, पेपर में क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, स्कैनर वगैरह का जो क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका हैंडआउट आप लोग के पास होगा, ठीक है? और जिनके पास हैंडआउट नहीं है वो जाकर के लिंक से, वेबसाइट वाला लिंक जो है मेरा, वहां से डाउनलोड कर ले। सबसे पहले आज जो अपने स्कैनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विद द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, CMSL, कैपिटल मार्केट एंड, ये देखिए कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ कुछ इस प्रकार है। कैपिटल मार्केट कितना मार्क्स का आता है? 60, सिक्योरिटी लॉ 40, तो कैपिटल मार्केट इज 60 मार्क्स एंड सिक्योरिटी लॉ इज 40 मार्क्स, ठीक है? सिक्योरिटी लॉ समझ में आ रहा है ना, वो ICDR ऑनवर्ड जो चैप्टर्स है वो क्या है? सिक्योरिटीज लॉ 40 मार्क्स। तो पार्ट ए कैपिटल मार्केट में अपने देखते हैं दोस्तों, इफ यू आर टू लुक एट पार्ट ए, देखिए पार्ट ए में कैपिटल मार्केट में एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। पास्ट, स्कैनर का मतलब समझ आ रहा है ना, एक हम लोग को व्यू मिल जाता है कि पास्ट टर्म्स में किस किस चैप्टर को इंस्टीट्यूट टारगेट करते आया है अपने बच्चों के अलावा। देखो कैपिटल मार्केट का, अच्छा मैट सामने रखना मेरा, विज माई मैट बड़ी शो शो, हो सकता है बहुत सारे पुराने पुराने बच्चे भी ये क्लास देख रहे हो, उनको मैट दिखा दें। ये वाला मैट है ना, यही लगभग 300 पन्ना, वो भी कब, जब फॉन्ट नन्ना सा है, नहीं तो चला गया था 550-600 पन्ना, उसका फॉन्ट छोटा करवाया तब जाकर के 300-350 पन्ना में आता, ठीक है? तो ये मैट है अपना कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का, CMSL का। ये कौन है? बोल क्या करता है, लॉन्ग की शॉर्ट? बियर क्या करता है? नॉलेज तो है देखो तुम लोग के अंदर कूट कूट करके, बस खाली आलस व्यवहार को अगर त्याग दो तो झंडा गाड़ दो। खैर छोड़ो, अभी अपने हिसाब बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। पिछला 8 साल, 9 साल का अगर कंपैरिजन किया जाए, 10 साल का अगर कंपैरिजन किया जाए, जो फर्स्ट चैप्टर है ना अपना कौन सा बताओ तो? ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस वन ना, ओवरव्यू ऑफ, याद है नन्ना सा चैप्टर था ओवरव्यू ऑफ, इसमें अपने फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सीखे थे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, मेजर्स टेकन बाय सेबी एंड अदर्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, और इसके अंदर अपने ईओएस को सीखे थे, याद आया? तो ये बोला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। राउंड अबाउट अगर आप इसका एवरेज स्कोर देखें तो एवरेज निकल करके आता है 3 से 4, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन। क्या आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं ये वाला? दूसरा चैप्टर अगर आपको याद है कौन सा था, फटाफट बताइए, एकदम फटाफट बताइए। हाँ, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ना, तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हैवी चैप्टर रहता था कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, लगभग अपने लगभग इट यूज टू टेक अस 2 क्लासेस टू कंप्लीट द चैप्टर। कैपिटल मार्केट में मेनली तो क्या था, शेयर, डिबेंचर, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब इसी चैप्टर में सीखे थे, और बहुत सारा याद करो शॉर्ट नोट्स के लिए अपने प्रिपेयर करते थे, ठीक है? डेट इक्विटी स्वैप बोल करके, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड बोल्ड करके, SPN सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, नहीं याद आया, पेन काइंड बॉन्ड याद आ रहा है? पेन काइंड बॉन्ड, बेबी बॉन्ड से इंटरेस्ट चुकाते थे, कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड, हाँ याद आ गया सर, बहुत सारा वो सब छोटा छोटा शॉर्ट नोट आ रहा है, ट्रैकिंग स्टॉक बोल करके, क्या बोल करके? तो अपने ये वाला चैप्टर में टारगेट किए थे, बाप रे, 11 से 12 नंबर बनाया, 11 to 12 मार्क्स।
फिर क्रेडिट रेटिंग, याद है नन्ना सा चैप्टर था क्रेडिट रेटिंग, बखूबी अपने पढ़े थे, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब मार्क्स। सिचुएशन मेरा पहले भी लिखवाया हुआ है बाय द वे, बट एक बार फिर भी एक टर्म वाइज एनालिसिस मिल जा रहा है ना, ये एवरेज है, कभी हो सकता है 10 नंबर का आ जाए, कभी हो सकता है 3 नंबर का आए, कभी हो सकता है आए नहीं, सब एवरेज है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, बाप रे बाप, 2 क्लास चलता था ये वाला चैप्टर। मार्केट अब्यूज सीखे थे इसमें, क्या सीखे थे बताओ ना, मार्केट अब्यूज, परमिटेड सिक्योरिटी, क्लियर सिक्योरिटी, डू यू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर सिक्योरिटी, परमिटेड सिक्योरिटी, मार्केट अब्यूज, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, डिलीवरी कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, पूरा स्टॉक का ट्रेडिंग करके दिखा देते। तो एक बवाल वाला चैप्टर था, मार्जिन ट्रेडिंग रहता था इसमें, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम रहता था, याद आ गया सर, हाँ बहुत ही बड़ा चैप्टर था, 16 मार्क्स ऑन एन एवरेज। डेट मार्केट तो मनी मार्केट से रिलेटेड है, याद है ना, डेट मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में कोई फर्क नहीं, तो डेट मार्केट इज अ मिक्सचर ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो डेट मार्केट 7, मनी मार्केट 4, ओके लवली। म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर का, ठीक है, म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर का। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर का, कितना क्लास हुआ था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, हाँ पूरा एक क्लास हुआ था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, याद करो, बहुत सारा डायग्राम्स वगैरह बनवाए थे, अमेंडेड डायग्राम्स, नहीं याद आ रहा है, हाँ नहीं याद आ रहा है, याद आया क्या, कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ याद आया ऐसा, एंजल इन्वेस्टर वाला डायग्राम, की एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, यू रिमेंबर, एंजल इन्वेस्टर कहां पैसा लगाएगा बताओ, एंजल फंड, दोस्तों एंजल इन्वेस्टर कहां पैसा लगाता है, एंजल फंड्स में, याद आया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रुपया रहता है, 25 लाख पर इन्वेस्टर, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर 200, और एंजल फंड कहां पैसा लगा, वेरी गुड, जैसे बोले एंजल फंड कहां पैसा लगा, बच्चे बोल दिए थे स्टार्टअप्स वगैरह में, कुछ याद है ऐसा डायग्राम सर आपने बनाए थे, और बाद बाकी अदर इन्वेस्टर्स याद है, अदर एआईएस में लगाते हैं, एंजल फंड तो कैटेगरी 1 टाइप का एएफ है ना, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एएफ्स आर देयर, हां 3, वेरी गुड, तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये सब प्रकार के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं ये सब करके, क्लियर। जो दिसंबर 18 टर्म में ट्यूशंस पढ़े हैं उसको तो पूरा अमेंडेड वाला क्लास में पढ़ाया गया था, बट जो दिसंबर 18 में ट्यूशंस नहीं लिए थे उसके पहले ट्यूशंस लिए थे, दिसंबर 18 के पहले, तो वो ये जो अमेंडेड वाला, ये जो एंजल इन्वेस्टर, ये जो दो चार्ट है ना, ये दो चार्ट जो है वो किसी फ्रेंड से ले ले, ये ऑफिस में ये ऑफिस से ले लीजिएगा, तो ये एएफ वाला था 3 से 4 नंबर का। फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑन एन एवरेज 2 नंबर का, बाप रे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या था इसमें, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर अलग से था, अलग से चैप्टर था, एफसीसीबी, एफसीईबी, एफसीसीबी और एफसीबी एक ही बात है कि अलग अलग है, एफसीसीबी अलग है, एफसीईबी अलग है, तो वी टॉक्ड अबाउट जीडीआर, एडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, और बताओ, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, प्री मार्केटिंग, रोड शो, ये सब हम बहुत बार रिवाइज करवा चुके हैं लाइफ के दौरान। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज, बाप रे, 8 से 9 नंबर, फिर आईडीआर ऑन एन एवरेज 5 नंबर, तो आईडीआर में तो ज्यादा गुस्सा नहीं, क्या लिखा था, कंडीशन पूछा था इन लोग, कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ आईडीआर, ओ माई गॉड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, याद करें, दो चैप्टर के, ये दो चैप्टर मिलाकर के पक्का एक क्लास में पढ़े होंगे अपने, छोड़ करके मत जाना बेटा, आएगा पक्का है, आएगा बोल रहे हैं पक्का है, दो दो पन्ना का तो चैप्टर था रे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद है ना पढ़े थे, 1 घंटा पढ़े थे रिट्स,
और उसी से रिलेटेड क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर, उसमें तो सूखा लगा हुआ है और रिट्स जो है ऑन एवरेज 4, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा रिट्स से। नाउ इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब क्या है, सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ याद है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंज को प्यार से कोई बता सकता है? हाँ, सिकरा। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से ऑन एन एवरेज 2 नंबर के ऊपर मत जाओ बेटा, पूरा एक क्लास पढ़ाया गया था, अबे एवरेज 2 नंबर है, देख कभी 7 कभी 6 कभी 0 0 कभी 4 कभी 5, सिकरा। फिर याद है सेबी एक्ट, बोलो ओ सिकरा 1956, सेबी एक्ट 1992, सिकरा और सेबी में मेरे बच्चों को प्यारा सेबी लगता होगा, प्यारा सब कुछ है। सेबी ऑन एन एवरेज 2 से 3 नंबर का। डिपॉजिटरीज पूरा एक क्लास पढ़ाया गया था, कौन कौन से 2 डिपॉजिटरीज हैं? तो डिपॉजिटरीज में क्या क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरीज, मॉडल्स ऑफ, हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ डिपॉजिटरीज आर देयर, कौन कौन सा, इमोबिलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, भारत में क्या फल होता है डीमटेरियलाइजेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रोसेस ऑफ डीमैट, प्रोसेस ऑफ रीमैट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे एनएसडीएल तो हर 3 महीना में अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लोग ऑडिट कर रहा है, सीडीएसएल टाइम टू टाइम, और ये इंटरनल ऑडिट सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, कॉन्करेंट ऑडिट याद आया, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, एंड बीएसडीए बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जिसमें सिक्योरिटी होल्ड किया जा सकता है अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख। फिर लिस्टिंग डिलिस्टिंग एलओडीआर, समझ में आया क्या, ऑन एन एवरेज 10 से 10.5 मार्क्स, पूरा क्लास में बैठा करके याद करवाया गया था एलओडीआर, अगर आपको याद हो, अरे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, हाँ लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट याद आ रहा है ना, अगर आपको याद हो दोस्तों एलओडीआर पूरा क्लास में बैठा करके याद करवाया गया था। अच्छा उसके बाद अलग से और क्लास हुआ था, 2 क्लास हुआ था एलओडीआर का। अच्छा फिर तीसरा क्लास अमेंडमेंट का हुआ था, हे भगवान, एलओडीआर का हैंडआउट से पढ़े थे, मैथ से पढ़े थे और अमेंडमेंट शीट से पढ़े थे, जो दिसंबर 18 वाले बच्चे हैं वो तो एलओडीआर का अमेंडमेंट लाइव में कर चुके होंगे, बाद बाकी बच्चों के लिए मैं यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा एलओडीआर का अमेंडमेंट, आई रिपीट आई पब्लिश द यूट्यूब वीडियो ऑफ एलओडीआर का अमेंडमेंट, कितना 1 घंटा का था, 45 मिनट्स, एलओडीआर का अमेंडमेंट कितना था रे, 45 मिनट्स से लेकर के लगभग 1 घंटा का था, याद है ना, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, 2-3 पन्ना का था ना, वो हम यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, मेरे बच्चे देख सकते हैं। तो सर सेबी में अमेंडमेंट क्या है, कुछ लेट हम के बच्चे जानना चाहेंगे, एक तो भैया एलओडीआर में अमेंडमेंट है और एआईएफ, ठीक है, एआईएफ एंड एलओडीआर, एआईएफ का आप नोट्स मेरे वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे स्टाफ लोग से कलेक्ट कर सकते हैं, स्टाफ लोग के पास अवेलेबल नहीं रहा तो वेबसाइट में डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और दूसरा अमेंडमेंट है एलओडीआर, तो वो एलओडीआर का जो एलओडीआर आईसीडीआर का जो अमेंडमेंट है वो हम यूट्यूब में डाल देंगे, दिसंबर 18 वाला लोग को क्यों नहीं करने का दरकार है, उन लोग तो लाइव में क्या होगा, उसके पहले के जो टर्म वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए यूट्यूब में डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा आप लोग। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, ओफ ऑफ 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 ऑफ, कितना, हाँ कितना, 24 नंबर, आईसीडीआर रेगुलेशन का एवरेज देखा जाए तो 24 नंबर, नहीं बोलते थे 20 से 25 नंबर का आएगा, झूठ मत बोलो, बोलते थे 20 से 25 नंबर का आता है, कितना क्लास पढ़े थे, हाँ 6 क्लासेस ऑफ आईसीडीआर, फिर ये वाला कोई चैप्टर का नाम बताओ हम प्यार से इसको क्या बोलते थे, खिलाड़ी भैया, अरे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट खिलाड़ी, तो मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिबेंचर ट्रस्टी, अंडर राइटर, रेशा टू इशू, बैंकर टू इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, तो इन लोग का हम लोग को पूरा सब फंक्शन याद करना पड़ता था और नेटवर्थ याद करना पड़ता था। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर, अपने इसमें पढ़े थे इनसाइडर ट्रेडिंग का पेनल्टी क्या होता है, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, हु आर इनसाइडर एंड डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, एंड फिर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव में प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लिस्ट, नहीं याद आया, और डिस्क्लोजर्स भी पढ़े थे ना इनसाइडर ट्रेडिंग में कि डिस्क्लोजर देना पड़ता है, टेक ओवर कोड फाइनल लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए 3 से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है,
बट ये तीन से चार नंबर एवरेज है, तो कभी नौ नंबर का भी आ सकता है, कभी चौदह नंबर का भी आ सकता है। तो छोड़ करके जाओ बेटा, पता चला बीस नंबर का ठोक दिए। ये टेक ओवर कोड जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स टू इंटरप्रेट माना जाता है। इसलिए मैं समाज सेवी हूं, देखो समाज सेवा है, ये सब समाज सेवा है। थोड़ा अब हम अपने आप को समाज सेवी में पर पूरा मतलब कन्वर्ट कर दिए ऑलमोस्ट। इसका तीन फ्री क्लासेस कहां डाला हुआ है, देख लोगे वो तीन क्लासेस, तो नोट्स में पढ़ने का दरकार नहीं रहेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो तीन यूट्यूब का क्लासेस जो है देख लेना, कितने बच्चे देख लिए हैं तीनों क्लासेस यूट्यूब में। फुल हैंड, वेरी गुड। जिन लोग नहीं देखे कोई बात नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद देख लीजिएगा। अच्छा ये वाला था। अच्छा फिर उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, नन्नी सी जान याद है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, ड्यूटीज, उन लोग का ड्यूटीज कि उन लोग को मीटिंग वगैरह अटेंड करना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, मैनेजमेंट से डिस्कशन करते रहना चाहिए, स्कोर्स क्या, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम, स्कोर्स का वेबसाइट खोल करके दिखाए थे, कैसे बच्चे हैं यार, कैसे कंप्लेन करते, पूरा वेबसाइट खोल करके दिखाए थे। और इस चैप्टर में इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम, आपको सभी से कुछ पूछते भी कितना कोऑपरेटिव, आपको कोई क्वेरी है पूछिए ना, किससे सभी से पूछिए, 25,000 रुपया फीस है। दो तरीके से रिप्लाई आएगा, नो एक्शन लेटर, इंटरप्रेटिव लेटर। नो एक्शन लेटर मतलब आप ये काम करेंगे तो हम लोग आपके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। और एक इंटरप्रेटिव लेटर, तुमको कोई क्वेरी था सभी तुमको गोदी में बनाकर पूरा समझाएगा, इंटरप्रेटिव लेटर, नहीं याद आया। और फिर कुछ कुछ क्वेश्चन का सभी रिप्लाई नहीं करता, याद आया तो 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट करके रिफंड कर देता है, जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लीगल प्रोविजन नॉट साइटेड, नॉट विद इन द परवी ऑफ सेबी, ऑल दिस क्वेश्चंस आर नॉट रिप्लाइड बाय सेबी ऑन एन एवरेज 7 मंथ। तो एक बार फील आ गया क्या, फील आ गया किस चैप्टर में क्या पढ़े थे, फटाफट मेरे को बताओ, फील करके बताओ किस चैप्टर में क्या पढ़े थे, ओवरव्यू ऑफ विच मार्केट, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था क्या, इस चैप्टर में क्या पढ़े थे बताओ ना, ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट में बताओ। हाँ तो हम अपना मैट खोल लेते हैं, उससे आपका आसानी होगा बताने में। एक बार फील कर लो ना किस, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में है, एक बार ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट याद करो, ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट में अपने क्या पढ़े थे बताओ ना, फंक्शंस ऑफ पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन क्या रहता है बताओ ना, फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा फंक्शन क्या रहता है, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, मेंटेन लिक्विडिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, नहीं समझ आया, रेगुलेशन ऑफ क्या, करेंसी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल का फंक्शंस क्या, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, मार्केट रेगुलेट करता है, बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है, बैंकिंग फंक्शन और क्या, एजेंसी, नेशनल रिजर्व फॉर इंटरनेशनल करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल को मॉनिटर करता है, नेशनल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो बोल रहे थे ना, मॉनेटरी पॉलिसी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड फॉर अनप्रोडक्टिव यूज की प्रोडक्टिव यूज, हम लोग का फाइनेंशियल सिस्टम का यही काम है ना कि प्रोडक्टिव यूज में फंड्स को क्या करें, यूज करें। आज भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको अनप्रोडक्टिव एरियाज में यूज करना चाहिए कि प्रोडक्टिव एरियाज में, एंड मेंटेनिंग क्या, लिक्विडिटी। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम का अगर फंक्शन का बात करें मेरे बच्चों, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन क्या है, मेंटेन व्हाट, लिक्विडिटी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, कम ऑन, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, बैंकिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है, एजेंसी सर्विस, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड फॉर प्रोडक्टिव यूज, मॉनिटर द फिस्कल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल, ओके, फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी एंड कंट्रोल व्हाट, क्रेडिट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल मार्केट भी आते हैं, प्रोडक्ट्स एंड खिलाड़ी भैया लोग, मार्केट पार्टिसिपेंट। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स आएंगे, फाइनेंशियल मार्केट मतलब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पक्का। तो फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके अंदर मार्केट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स है, और कौन है, पार्टिसिपेंट्स। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स है विच आर मैनेज बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट जैसा हम बोल रहे थे चीज चीज करके, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ओके। कैपिटल मार्केट में मेन मार्केट क्या है, सिक्योरिटी मार्केट विच कैन बी प्राइमरी ऑल्सो सेकेंडरी। When a company comes out with fresh issue, when a company comes out with fresh issue, primary market. When the existing securities are checked among the investors, secondary market. फिर functions of what? Security market. इस chapter में अपने पढ़े थे functions of
सिक्योरिटी मार्केट ही आज चीज समझो, आज अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना हो हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? सिक्योरिटी मार्केट, वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट एरिया फॉर मी एज एन इन्वेस्टर, सिक्योरिटी मार्केट। अरविंद ग्लोबल दिस शेयर डिवेंचर में पैसा लगाएंगे तो कहां से? सिक्योरिटी मार्केट। तो फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का अगर बात करें, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसी का सेविंग किसी के लिए इन्वेस्टमेंट, पक्का? तो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजेस सेविंग, लिक्विडिटी देता है, एंड इट्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन ट्रेड परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सो मेन फोर फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट आर द मेन फोर फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट? लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजेस सेविंग्स, मेंटेन्स लिक्विडिटी। आज अगर तेरे को पैसा चाहिए आप अपना सिक्योरिटी बेच सकते हैं ना सिक्योरिटी मार्केट में, पक्का? तो मेंटेन्स लिक्विडिटी एंड इट्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रेड। फिर प्रोफाइल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये हिस्ट्री है कि कितना पब्लिक इशू, राइट इशू आया, कितना क्यूआईपी आया, याद है क्या? मार्केट का मेन रेगुलेटर्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? सेबी एक्ट, सिकरा, डिपॉजिटरीज कमीशन, मेन एक्ट विच रेगुलेट द मार्केट, सेबी एक्ट 1992। चैप्टर पढ़े हो सिकरा, चैप्टर पढ़े हो डिपॉजिटरी, चैप्टर एक क्लास हा बेटा, एक क्लास पढ़े हो पूरा, बोलो पूरा एक क्लास 75 क्लास। तो व्हाट आर द एक्ट्स विच रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट? हा सेबी एक्ट, सिकरा, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, दीज आर मेन एक्ट्स। रिफॉर्म्स एंड रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, सभी के हाथ में हाथ रख करके बैठा है कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है, मार्केट्स को क्या करता रहता है? रिफॉर्म, टाइम टू टाइम मार्केट्स को क्या करता रहता है? रिफॉर्म। इन्वेस्टर लोग को अगर लूट लिया जाए, एक इन्वेस्टर को लूटा जाएगा तो 100 इन्वेस्टर मार्केट छोड़ करके भाग जाएगा, तो सिक्योरिटी मार्केट बर्बाद हो जाएगा। आपको तो पता है, बना था मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस सभी वॉज फॉर्म वॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो कंट्रोल ओवर क्या बताओ ना, इश्यू ऑफ कैपिटल, तभी तो सभी क्या लेकर के आईसीडीआर। इफ यू डू नॉट कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ कैपिटल, इफ यू डोंट कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ एनी टॉम डिक हैरी कंपनी विल कम आउट विद अ कैपिटल इश्यू। नहीं समझ आया? कोई भी उल्टा सीधा आंडू पांडू कंपनी भी क्या करेगा, शेयर इशू करेगा, और आप लोग नहीं लेकिन बीकॉम वाले बच्चे तो शेयर खरीद लेंगे और फिर डूब जाएंगे। उन लोग में तो उतना एनालिसिस पावर नहीं है कि एनालिसिस करें कौन सा कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग है, कौन सा कंपनी जंक है, तो इसलिए सेबी ही मना कर देता है। क्या ला करके आईसीडीआर रेगुलेशन कि तुम ये सारा कंडीशन को क्या करोगे, सेटिस्फाई तभी तुमको ओके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्या बताओ ना, रेगुलेटर कौन है वो रेगुलेटर? सेबी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग याद आ रहा है, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क को मैनेज करता है। आजकल डिलीवरी फास्ट हो जाता है ना, T+2 डिपॉजिटीज एक्ट बनाया है, और याद है ना एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। इओस्को कहां का पैदाइश है? अमेरिका, पक्का? पहले अमेरिकन स्टॉक रेगुलेटर्स लोग इस एसोसिएशन में थे, खाली कौन लोग थे? अमेरिकन कंट्री के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स। फिर इन लोग ना इस बॉडी को और बड़ा करने के लिए अमेरिका के बाहर के जो कंट्रीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, जैसे सेबी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इओस्को। कब पैदा हुआ था ये? 1974 में अमेरिका में पैदा हुआ, और फिर बाहर वालों को अलाउ किया 1983, याद आया? सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन, इओस्को 1983, अमेरिकन रीजनल एसोसिएशन था 1974। फिर ये इओस्को में कब कन्वर्ट हुआ? अप्रैल 1983। इसमें क्या होता है सर, इओस्को में कौन मेंबर्स है? डिफरेंट रेगुलेटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स ऑफ, इवन सेबी इज अ मेंबर। तो इन लोग क्या करते हैं ना, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि हम लोग क्या करेंगे आपस में, कोऑपरेट। हमारा इन्वेस्टर तुम्हारे सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाएगा, डिटेल दे देना प्लीज, तुम्हारा इन्वेस्टर हमारे सिक्योरिटी मार्केट में लगाएगा तो डिटेल्स, विल शेयर द डिटेल्स, ट्रांसपेरेंसी। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर, मार्केट फेयर रहे, रिड्यूसिंग द सिस्टमैटिक रिस्क। हम फील दे रहे हैं खाली ये, लेकिन फील के माने पूरा रिविजन हो गया, इतना पॉसिबल नहीं है, फीलिंग का बात हो रहा है अभी। चैप्टर वन में समझा है क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? चैप्टर टू में क्या पढ़े थे? हाँ, कैपिटल मार्केट मैच्योरिटी इज जनरली अप टू 1 ईयर के मोर देन 1 ईयर, तो जाहिर सा बात है जितना भी शेयर डिवेंचर ये सब जनरली क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर, तभी तो कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं ना।
हाइब्रिड मतलब क्या? हैविंग फीचर्स ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट की मोर देन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हैविंग फीचर्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाँ, हैविंग फीचर्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, एग्जांपल वो कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। अब अगर ये चार नंबर का आया तो देखो तुम्हारे अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, दो नंबर का आंसर है तो दो नंबर के हिसाब से लिखो, चार नंबर का आंसर है तो चार नंबर के हिसाब से, दो नंबर का आंसर है खाली डिफरेंशियल लिख करके जो होती है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दो टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर फीचर्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर देयर टेन्योर, खत्म। लेकिन चार नंबर का आया, डेफिनेशन लिखने के बाद फॉलोइंग आर द फीचर्स, फॉलोइंग आर द फीचर्स में, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स में लिखना, पहले एग्जांपल लिख देना, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल वारंट्स, फिर फीचर्स में लिख देना, पॉइंट नंबर वन इट इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट नंबर टू इट हैज फीचर ऑफ टू और मोर इंस्ट्रूमेंट, समझ आया? तो इस तरीके से पूरा लिखना, एडवांटेजेस बोल करके लिख देना, इन्वेस्टर कैन एंजॉय बोथ द बेनिफिट्स ऑफ डेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इफ दे इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओके, यू कैन राइट इट। और बताओ, और फिर और फीचर्स में लिख देना, देयर मैच्योरिटी पीरियड इज जनरली मोर देन वन ईयर, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना, तो उसका फीचर लिखना चालू कर देना, चार नंबर का है तो इतना तुमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, देयर मैच्योरिटी इज जनरली मोर देन वन ईयर, रिस्क इज हाई, लिक्विडिटी इज लेस, नहीं याद आया, प्योर इंस्ट्रूमेंट हैविंग द फीचर ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, एग्जांपल फ्यूचर्स ऑप्शंस, समझ किए थे क्या फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर, इक्विटी शेयर्स, अरे राम इक्विटी शेयर्स बेशर्मो पूरा कंपनी है, डीवीआर याद आ रहा है डीवीआर, क्या नहीं दुनिया प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ऑफ डीवीआर, टाटा मोटर डीवीआर, व्हाट हैपेंस इज टाटा मोटर डीवीआर प्रैक्टिकल एफ में 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट, कैन यू टेल मी विच सेक्शन नंबर ऑफ कंपनी एक्ट अलाउज द इश्यू ऑफ डीवीआर, 43 इज सही जवाब। तो ये पूरा कंपनी एक्ट से पढ़ रखे हैं आपने, फिर प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स पढ़े थे क्या, खाली हम टॉपिक्स दिखा रहे हैं क्या क्या पढ़े थे, डिबेंचर्स का टाइप्स पढ़े थे क्या, डिफरेंसेस पढ़े थे पार्टली और फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर में, स्वर्ण इक्विटी शेयर पूरा कंपनी एक्ट से छाप देना, सेक्शन नंबर बताओ कौन सा, 54, कौन सा पॉइंट हट चुका है स्वर्ण इक्विटी शेयर से जो आप नहीं लिखेंगे, पहले क्या है ना कंपनी खोलने के एक साल बाद इशू होता था सर्टिफिकेट, अब वो एक साल वाला क्राइटेरिया नहीं, रीजन क्या हम बताए थे, क्योंकि कंपनी सम्मेलन 2017 नोटिफाइड इन 2018, रीजन क्या था, क्योंकि इनोवेशन तो पहला साल भी हो सकता है, स्वर्ण इक्विटी शेयर क्यों दिया था, इंप्लॉई या डायरेक्टर ने कुछ क्या किया है, इनोवेशन, अच्छा सर्विस किया है, इनोवेशन किया है, नहीं समझ में आया, तो अब इनोवेशन क्या हम लोग पहला साल नहीं कर सकता क्या, तो इसलिए हम लोग पहला साल स्वर्ण इक्विटी शेयर दे सकते हैं। फिर याद है ये सब अपने पढ़े थे, सिक्योर्ड, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं हो इसलिए हम वहां पर दो तीन चार चार लाइन लिखवा दिए थे, कैसे बच्चे हैं, हाईलाइट करवा दिए थे रे, एसपीएन इक्विटी शेयर्स विद डिटैचेबल, इसमें इक्विटी शेयर्स विद डिटैचेबल वारंट में समझा रहे क्या रहता है, इक्विटी शेयर भी रहता है वारंट भी रहता है, तो फ्यूचर में तुम वारंट को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट, डुअल ऑप्शन वारंट दोनों ऑप्शन रहता है, डेट फॉर इक्विटी सैप, ये सब अपने पढ़ चुके थे, इंडेक्स रेट, एक्सटेंडेबल डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो तुमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो इंटरेस्ट, ऑप्शन बॉन्ड तुम एक साथ भी इंटरेस्ट ले सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी, इजी एग्जिट, एनी टाइम रिडेम्पशन पॉसिबल, पे इन काइंड, पहला 3 से 5 साल का इंटरेस्ट तुमको बॉन्ड्स के रूप में चुकाएंगे, नोन एज बेबी बॉन्ड, स्प्लिट कूपन डिबेंचर, इंटरेस्ट धीरे धीरे स्प्लिट करके, फ्लोटिंग रेट, इन्फ्लेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, डिपेंड, फिक्स नहीं रहेगा, क्लिप एंड स्ट्रिप इशूड एट डिस्काउंट, कन्वर्टेड एट प्रीमियम, वो कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक में क्या, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, नहीं याद आया, और क्लिप एंड स्ट्रिप, रुपया एक साथ ले लेना, चुकाना धीरे धीरे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड याद है क्या, कोई बॉन्ड का इंडेक्सेशन नहीं होता एक्सेप्ट, इन लोग का इंडेक्सेशन होता है कि नहीं होता है, होता है, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड, दिस बॉन्ड्स आर इशूड विद द कंपनी टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लाइक रोड, रेलवे, ब्रिज, टेलीकम्युनिकेशन, जीडीआर के ऊपर तो मेरा बोलना भी पापे, कम से कम 5-7 बार पढ़ाई है जीडीआर, बोलो जीडीआर, एफसीसीबी, आईडीआर याद आ रहा है, ट्रैकिंग स्टॉक, ट्रैकिंग स्टॉक में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द एंटायर कंपनीज परफॉर्मेंस दिस स्टॉक का प्राइस विल बी इन्फ्लुएंस बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, ठीक है, दे ट्रैक नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बट ओनली अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट,
So it may so happen that overall performance of the company is bad, but a particular department which has issued the tracking stock, their performance is good, so the value of the tracking stock will increase. Mortgage backed security, pura securitization padhai the re. Sarfashi, securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002. नोट्स लिखवाए थे ना सिक्योरिटाइजेशन का. फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर तो सम्स किए थे. हेज फंड्स पूरा पढ़ चुके हैं. हेज फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. लॉन्ग शॉर्ट याद है क्या? बुल क्या करता है? लॉन्ग. बियर क्या करता है? शॉर्ट. फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फंड्स हैं. डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड. ऑफशोर फंड समझ आ रहा है? ऑफशोर फंड कहां रहता है? फॉरेन में, वो भी पॉपुलर फॉरेन कंट्रीज नहीं, जैसे बहामास आइलैंड, पनामास, वर्जिन ब्रिटिश आइलैंड. फंड ऑफ फंड्स क्या हिंदुस्तान में अलाउड है? इंडिया में अलाउड नहीं. फंड ऑफ फंड क्या होता है? इट्स अ म्यूचुअल फंड विच विल इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स. इसका डिसएडवांटेजेस देख रहे हो क्या? बहुत सारा क्या हो जाता है? अरे ज्यादा ज्यादा फीस लगता है, रिस्क बहुत ज्यादा है. कुछ याद आया? क्रेडिट रेटिंग चैप्टर क्या पढ़े थे? क्रेडिट रेटिंग में डेफिनेशन पढ़े थे क्या? सिंबॉलिक इंडिकेशन, ट्रिपल ए डबल ए लाइक दिस सॉर्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग और किसके लिए बेनिफिशियल है. तीन तो आई, इन्वेस्टर, इश्यूअर, इंटरमीडियरी, रेगुलेटर. देखो दो अलग अलग क्वेश्चन आएगा. बोलेगा फैक्टर्स ऑफ अ सक्सेसफुल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फैक्टर्स बिहाइंड सक्सेसफुल गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उसके बारे में लिखना है. और अगर बोलेगा फैक्टर्स ऑन विच रेटिंग डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेटिंग डिपेंड्स, नहीं याद आया. फैक्टर्स ऑन विच रेटिंग डिपेंड अलग है, और फैक्टर्स ऑफ अ गुड सक्सेसफुल रेटिंग एजेंसी अलग है. फैक्टर्स ऑफ अ सक्सेसफुल रेटिंग सिस्टम समझ आ रहा है? हम क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, प्रोफेशनलिज्म, ये सब होना चाहिए. टाइमलाइन इज एबिलिटी टू रीच वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर, एनालिटिकल रिसर्च. डू रिमेंबर ट्रिपल बी या उसके अबव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड. मतलब चार्ट टू, ट्रिपल ए, डबल ए, ए ट्रिपल बी, और डबल बी, बी सी डी क्या है? स्पेक्युलेटिव जंग, पूरा करकट. क्रेडिट वॉच, रेटिंग देने के बाद इन लोग वॉच करता रहता है और अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकता है. फैक्टर्स ऑफ रेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग है, सर्विस कंपनी अलग है, ये सब फैक्टर्स. हम ट्रिपल ए रेटिंग किसी को ऐसे ही दे देंगे कि बहुत सारा फैक्टर्स देखेंगे, उसका इंडस्ट्री का रिस्क क्या है, उसका कंपनी का मार्केट में पोजीशन यानी शेयर कितना है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग कहीं लेबर वगैरह लोग का स्ट्राइक, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम तो नहीं रहता, अकाउंटिंग ठीक से हो रहा है ना, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कहीं एक ही बैंक तो इसको लोन नहीं फाइनेंस कर रखा, मल्टीपल इसके पास फाइनेंस का ऑप्शन है ना, अर्निंग प्रोटेक्शन है ना, फाइनेंशियल लेवरेज है ना. फाइनेंस मतलब खाली खुद का पैसा लगा रखा है, ये भी गलत है. खुद का पैसा के साथ थोड़ा सा क्या होना चाहिए? आउटसाइडर्स फंड, तो लिवरेज कर रखा ना ठीक से, कैश फ्लो रेगुलर है ना, मैनेजमेंट स्ट्रांग है ना. और सर्विस का याद है? कैमल्स. सर्विस का क्या था? कैमल्स. सी से क्या था? कैपिटल. ये किसका है? सर्विस, फाइनेंशियल कंपनीज. कैमल्स, कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए. और बताओ एसेट. अरे फाइनेंशियल कंपनी में तो एसेट क्वालिटी मेन है ना, अगर ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है खराब रेटिंग देंगे उसको. ठीक है, और क्या था? मैनेजमेंट. कैमल्स, कैमल्स, कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम कंट्रोल. रेटिंग प्रोसेस याद है? हम डिक्टेशन दिए थे पूरा, पांच छह स्टेप लिखवाए थे. प्रमोटर ऑफ रेटिंग एजेंसी याद है क्या? बोलो. प्रमोटर ऑफ रेटिंग एजेंसी कौन कौन हो सकता है? पीएफआई, कमर्शियल बैंक, डू यू रिमेंबर, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, फॉरेन रेटिंग एजेंसी जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है पक्का. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रेटिंग एजेंसी, कंपनी होना चाहिए. बोलो क्या होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए. उसका एमओए में कंपनी का रेटिंग एज मेन ऑब्जेक्ट. दिसंबर 18 ऑनवर्ड्स, ये अमेंडमेंट हम दिसंबर 18 वाला बैच को बता चुके होंगे, बाद बाकी बैच यहां पर अमेंडमेंट कर ले. ये दिसंबर 18 ऑनवर्ड्स है. एप्लीकेंट एज अ मिनिमम नेटवर्क का बताओ कितना? 25 करोड़. ये 5 हट करके 25 हो गया सर. कब हुआ? दिसंबर 18 टर्म के लिए सर. जून 18 में तो 5 ही बताए थे आप, उस समय 5 ही था रे. जब दिसंबर 18 में पढ़ाए थे ना उस समय भी 5 ही था, उसके बाद ही अमेंडमेंट आया. कैसे बच्चे हैं रे बाबा?
25 करोड़ 25 हो चुका। फिर याद है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना, अरे यार सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बाद तो सेम ही रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ, मॉरल टर्पिट्यूड में प्रमोटर डायरेक्टर लोग नहीं फंसा है, सिक्योरिटी मार्केट का ऑफेंस में नहीं फंसा है, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट में है, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ चुके हैं क्या, आईपीओ ग्रेडिंग 1 to 5 के स्केल में होता है क्या, 1 रेटिंग अच्छा है कि 5 रेटिंग अच्छा है, 5। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इंटरनल ऑडिट, ये सब सिंपल है। फिर रेटिंग सिंबल्स अपने पढ़े थे ना, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग सिंबल्स है। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, लिस्टेड क्लियर एंड परमिटेड सिक्योरिटी, डू यू रिमेंबर लिस्टेड क्लियर एंड परमिटेड, बोलो, लिस्टेड एंड परमिटेड। लिस्टेड क्या होता है, विच हैज कंप्लाइड विद द स्टॉक मार्केट लिस्टिंग क्राइटेरिया, परमिटेड सिक्योरिटी इज लिस्टेड इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट नॉट लिस्टेड इन अदर स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट ओनली गेट्स अ परमिशन, नॉट परमानेंटली लिस्टेड, ओनली गेट्स अ परमिशन टू ट्रेड फॉर सम टाइम। लिस्टेड तो परमानेंट लिस्टेड हो गया ना बाय कंप्लाइंग स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन, परमिटेड सिक्योरिटी में क्या हुआ, हम दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो हम उतना सारा आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे को परमिशन दे दो क्या करने का, ट्रेड। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, स्पॉट हैंड एंड स्पेशल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस, बुक क्लोजर रिकॉर्डेड, सेक्शन नंबर बताओ कंपनी सबका, 91। ट्रेंड लाइन याद है, बुलिश एंड बियरिश, मार्केट मेकिंग याद है क्या, क्या होता था कंपल्सरी मार्केट मेकिंग में, जब शेयर्स इलिक्विड रहता है, क्या रहता है, तो इलिक्विड रहता है तो जल्दी से बायर एंड सेलर नहीं, बायर है तो सेलर नहीं है, सेलर है तो उस समय ब्रोकर लोग प्ले करता है रोल ऑफ मार्केट मेकिंग, कि सेलर है तो ठीक है ब्रोकर खरीद करके रख लेगा, नहीं सका है, फिर जब बायर आएगा उसको बेच देगा, बिड आस्क रेट में जो डिफरेंस होता है वो उसका स्प्रेड ही प्रॉफिट है। मार्केट मेकिंग हम लोग एसएमई एक्सचेंज का जब बात किए थे ना तो हम आपको डिक्टेट कर रखे हैं। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग का बात हो चुका है, हु प्लेज अ रोल ऑफ जनरली इंटरमीडियरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, नहीं याद आया, अरे यार एक इन्वेस्टर है हैविंग द आइडल सिक्योरिटी, देयर इज एन इन्वेस्टर हैविंग द, देयर इज एन इन्वेस्टर हैविंग आइडल सिक्योरिटी एंड देयर इज अ ब्रोकर हु हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट इन डिलीवरी, देयर इज अ ब्रोकर हु हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट इन डिलीवरी टू द इन्वेस्टर एंड नाउ ही हैज टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, ब्रोकर हैज टू फुलफिल हिज बाय सेलिंग द शेयर टू किसको, क्लाइंट, broker has to fulfill his obligation and commitment by selling the shares to client but broker does not have the share, say for example broker order to le liya client se but wo share maan lo freeze ho gaya but broker usse paisa le liya, ab broker ko to share chukana padega to broker jata hai clearing corporation ke paas aur clearing corporation borrow karta hai kisse, investor, ek investor tha na, abhi hum samjha nahi rahe hain mere ko, suno aadha ghanta samjhaye the, याद आ रहा है, इन्वेस्टर के पास क्या है, ये इसके पास आइडल सिक्योरिटी है, ये जब शादी करेगा तब भेजेगा, बच्चा लोग जब शादी करेगा तब भेजेगा, बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, यहां पर ब्रोकर है, हु हैज अ ट्रेड, हु हैज अ ट्रेड इन विच टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। अब इसके पास आइडल सिक्योरिटी, ये तो ऐसे भी 20 साल तक रखने वाला है तो भाई थोड़ा दिन के लिए तुम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भाड़ा पे लगाना, भाड़ा पे लगा, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये किसको दे देगा, ब्रोकर को, ब्रोकर किसको दे देगा, क्लाइंट को। फिर जब शेयर का ट्रेडिंग वापस से क्या होगा, स्टार्ट हो सकता है, कंपनी सस्पेंड हो रखा हो ट्रेडिंग या फ्रीज हो रखा हो, वंस ट्रेडिंग स्टार्ट ब्रोकर क्या करेगा, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद करके लौटा देगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लौटा देगा इन्वेस्टर्स को। नहीं समझ आया, इन्वेस्टर भाड़ा चार्ज करेगा क्या, किससे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किससे, ब्रोकर से, थोड़ा ज्यादा करेगा कि कम करेगा, ज्यादा, अरे अपना भी तो कुछ रखेगा ये, अगर ब्रोकर भाग गया, ब्रोकर डिफॉल्ट कर दिया, शेयर नहीं लौटा क्लियरिंग, तो क्या इन्वेस्टर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का गला पकड़ेगा, देन सीसी विल हैव टू बाय द शेयर्स एंड गिव इट टू द इन्वेस्टर। तो ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेंडर्स मोटिवेशन, लेंडर कौन था, इन्वेस्टर, उसको तो रिटर्न मिल रहा है ना, अपना आइडल पोर्टफोलियो के ऊपर उसको रिटर्न मिल रहा है, बोरोअर के लिए भी अच्छा है, इट कवर्स अ शॉर्ट पोजिशन, हेजिंग वगैरह में काम आता है। फिर याद है ये अपने पूरा रोलिंग सेटलमेंट का बात किए थे, सेटलमेंट साइकिल पूरा याद करो, क्लास में याद करवाया गया था कि टी वन क्या होता है, टी प्लस टू थ्री फोर फाइव, यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग,
बोलो, इसके ऊपर सम्स करवाए थे, क्लोजिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही होता है कि अलग अलग होता है? दिसंबर 18 में ज्यादा सम्स करवाया गया है, तो जिन लोग के पास पुराना सम्स है उन लोग दिसंबर 18 वाला का मेरे ख्याल से कितना सम्स किया था अगर टोटल बात करें? गांजा ले रखे हो, गांजा टोटल गांजा, हाँ कॉपी चेक करो दिसंबर 18 में। अरे फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 16, 17 दिसंबर 18 में टोटल 17 तो सम करवाया गया है, तो 17 सम का दिसंबर 18 में तो हम करवाए हैं ना, किसी के पास नहीं है तो शेयर कर लें। कंपटीशन ऑफ क्लोजिंग प्राइस, कमॉन, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक है कि अलग अलग है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्लोजिंग प्राइस अलग अलग है। एवरेज वाला कौन सा होता है? क्लोज प्राइस, जो लास्ट 30 मिनट्स का अपने वेटेड एवरेज, कमॉन लास्ट 30 मिनट्स का, ये हम हर टर्म में पढ़ाए हैं, हर टर्म में सम्स करवाए हैं, लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज इज योर क्लोजिंग प्राइस। और जो एकदम जो लास्ट प्राइस था वो था लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और अगर लास्ट 30 मिनट्स में कोई ट्रेड नहीं हुआ तो बोथ विल बी सेम, क्लोजिंग प्राइस एंड एलटीपी विल बी सेम। बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये सब बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम होता है। मार्केट अब्यूज मतलब ब्रीचिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ब्रीचिंग द वायलेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट्स, मार्केट अब्यूज। हु कंट्रोल्स मार्केट अब्यूज? सेबी। कैसे कंट्रोल करता है? ऑनलाइन सर्विलियंस, ऑफलाइन, ये दुनिया भर का अपने बात किए थे, इन्वेस्टिगेशन, सर्किट ब्रेकर, ट्रेड टू ट्रेड, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, समझ आ रहा है? क्या होता है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस? ब्रोकर अलाउज अ क्लाइंट टू डायरेक्टली प्लेस द ऑर्डर इन द स्टॉक मार्केट। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, लिमिट ऑर्डर, खोल करके दिखाए थे हम पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा खोल करके दिखाए थे, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस, ये सब होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। डेट मार्केट में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं डेट मार्केट में। रोल ओवर वाला याद है क्या? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, रोल ओवर वाला याद है क्या? रोल ओवर मतलब कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डेट। देखो भैया, पार्टली कन्वर्टेबल डेट मतलब समझो, पार्टली कन्वर्टेबल डेट मतलब कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, पार्टली कन्वर्टेबल, बट पार्टली कन्वर्टेबल है तो केवल कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, रिमेनिंग जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन था वो क्या करोगे, चुकाओ। मान लो 100 लाख का, मान लो से फॉर एग्जांपल 100 लाख का पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर था, कितना लाख का, उसमें से मान लो 40 लाख कन्वर्ट हो गया, कितना बचा? अरे 40 लाख इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, बोला कितना बचा? 60 लाख कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है? तो चुका दो। लेकिन अगर आप चुकाना नहीं चाहते, रोल ओवर करना चाहते हैं, मतलब नॉन कन्वर्टेबल को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। तभी तो मेरे मुंह से क्या निकला, 100 लाख में 40 लाख कन्वर्ट हुआ, कितना नॉन कन्वर्टेबल है? 60, मतलब 50 लाख से ज्यादा का नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है। बोलो हिंदी में, 50 लाख से ज्यादा का नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है। 75% ऑफ द होल्डर्स, एटलीस्ट 75% ऑफ द होल्डर्स बाई वैल्यू अग्रीज टू इट बाई पोस्टल बैलेट। 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स बाई वैल्यू अग्रीज टू इट बाई द वे ऑफ पोस्टल बैलेट। और जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनको तो रुपया चुका दो। और क्रेडिट रेटिंग पिछला कितना महीना के अंदर हुआ हो? 6 महीना। नहीं याद आया, 50 लाख से ज्यादा का वैल्यू होना चाहिए, 75% होल्डर्स ने एग्री कर दिया थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है, लेटेस्ट पोजीशन भेजा गया है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह लास्ट 6 महीना में करवाया गया, और जिन्होंने हु हैव नॉट एग्रीड उनको तो चुका दो। बोलो, ये सब पढ़े थे। डेट रेगुलेशन 2008 हम लोग आईसीडीआर के साथ ही पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर पढ़ चुके हैं, और ये सब छोटा छोटा था ना टर्म्स, आरटीजीएस, एसपीडी, वीज एंड मेन्स एडवांसेस। बोलो, मनी मार्केट, अरे यार मनी मार्केट याद करो, ट्रेजरी बिल याद आ रहा है क्या? सम्स किए थे क्या ट्रेजरी बिल का? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सब पढ़े थे ना हम, चैप्टर का फील करने बोले थे, आप लोग मेरे को कहां, आप बताइए। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ओके। और इसमें और एक क्वेश्चन क्या पढ़े थे, फैक्टरिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग, और याद है डायग्राम बनाए थे फैक्टरिंग का? नहीं याद आया,
ये देखो अब याद आया, म्यूचुअल फंड एकदम बच्चा वाला चैप्टर है। इसमें क्या पढ़े थे, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड स्कीम में डिफरेंस। ओपन एंडेड क्यों बोलते हैं, एवरीडे इशू एंड रिडेम्पशन पॉसिबल, क्लोज एंडेड में एवरीडे इशू रिडेम्पशन जनरली कौन लिस्टेड रहेगा, क्लोज एंडेड, क्योंकि ओपन एंडेड में तो तुम सीधा कंपनी से आकर के पैसा मांग रहे, ठीक है, और क्लोज एंडेड का दो दाम निकलता है, एक मार्केट प्राइस और एक एनएवी, ओपन एंडेड का खाली एनएवी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड था ना, इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ, हाइब्रिड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड था। रिस्क पड़े थे ना इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, बोलो। फिर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंटेंट्स ऑफ ट्रस्ट डीड, कोड ऑफ कंडक्ट, याद है ना, एडवर्टीजमेंट कोई गलत सलत नहीं हुआ, एक्सेसिव स्टेटमेंट, सेलिब्रिटी अलाउड नहीं है, अनफेयर कंपेरिजन अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस, एक म्यूचुअल फंड कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकता, पढ़ चुके हैं, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड पढ़ने बोले थे ना, म्यूचुअल फंड का रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं होगा तो सेबी पेनल्टी लगा दिया, सही किया कि गलत किया, सही किया, ये इन लोग बोला ना, हम लोग जानबूझकर नहीं किए। देखो मेंस रिया, बोलो, इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, मेंस रिया क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस में मेंस रिया नहीं देखा जाता, गलती से ही हुआ फिर भी पेनल्टी लगेगा क्या, अगर आप सभी रेगुलेशन गलती से ब्रीच कर देंगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अदर्स में यही बोला गया था कि सेबी ने सही किया इसके ऊपर पेनल्टी लगा करके, सेबी ने पेनल्टी लगा करके सही किया, क्योंकि जो मेंस रिया है ना, क्या चीज बताओ ना, मेंस रिया खाली कहां जरूरी है, क्रिमिनल में, ये सब सिविल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जरूरी नहीं। AIF पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या, कितने कैटेगरीज ऑफ AIF रहते हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम AIF एक ही क्लास में पढ़े थे, चैप्टर का फील खाली दे रहे हैं, नहीं तो फिर स्कैनर नहीं होगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन कम ऑन इंटरनेशनल, जैसा कि बात किए थे GDR ADR, अच्छा फिर टाइप भी पढ़े थे L1, L2, L3, L4, L1 इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक शीट और ओवर द काउंटर एक्सचेंज, डू यू रिमेंबर, L2 इज पब्लिक इशू, L3, अरे L2 इज व्हेन L1 गेट्स लिस्टेड, L3 इज पब्लिक इशू, L4 इज QIP, अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हो चुका है क्या, सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, ऑफरिंग सर्कुलर, शॉर्ट नोट आता है ना, प्री मार्केटिंग, रोड शो, FCCB अलग है, FCB अलग, FCB का डायग्राम से पढ़ाए थे, प्राइसिंग पढ़ाए थे, ECB ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट एंड यूज, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ GDR, ADR, और IDR तो सेम ही था ना कंसेप्ट, बोलो, IDR में पैसा किसको चाहिए रहता है, इंडियन कंपनी को कि फॉरेन कंपनी को, IDR में पैसा चाहिए रहता है फॉरेन कंपनी को फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर, और इंडियन इन्वेस्टर अपना ध्यान देता है, बोला हम लोग को कुछ ऐसा तो विच कैन बी ट्रेड इंडियन स्टॉक मार्केट, तो खाली हम आपको एक एग्जांपल दिए थे IDR का, सागर चार्टर IDR, BSE का वेबसाइट खोल करके दिखाए थे, फॉरेन, यार ये बच्चा वाला चैप्टर था, कैटेगरीज ऑफ FPI, ये सब खुद से पढ़ोगे ना फटाफट याद आ जाएगा, बोलो यस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नॉन कन्वर्टेबल रिडेबल प्रेफरेंस शेयर, एक क्लास पूरा पढ़ाए थे, रेट्स लगभग 50 मिनट का क्लास है, याद आ रहा है, उसके बाद तो पार्ट बी चालू हो जा रहा है ना, अब उसका तो फील है ही, उसका तो फील है ही पूरा, ICDR का 6 क्लास का, वो तो बार बार पढ़े, सेबी सिकरा, कम ऑन ICDR सेबी सिकरा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उसका पूरा फील है, तो रिवीजन हम टाइम टू टाइम करवा दिए, और एक बार आज पूरा एक बार फील दिलवा दिए कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक किस चैप्टर में छुपा हुआ है, बनाया क्या काम आया ये, अभी एक घंटा जो बोले, चलो अभी अपने स्कैनर जो है ना वो डिस्कस करते हैं दोस्तों, कृपया करके आपको जो नोट्स मिला वो निकाल लीजिए, हम सीधा क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं, पिछला 3-4 टर्म का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आई रिपीट, पिछला 3-4 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर आई एम डिस्कसिंग,
तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो, क्या ऐसा कुछ है? अरे बोलो ना, रिडेम्पशन प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड, यू डिफाइंड इट, शो मी, हाँ है तो तुम्हारे पास भी यही, जून 2017 का डिस्कस कर रहे हैं, आज से तीन टर्म पहले, रिडेम्पशन प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड इज रुपीज 48, ठीक है, रिडेम्पशन प्राइस दे दिया है, क्वेश्चन नंबर वन हमेशा सम्स आएगा, अच्छा क्वेश्चन वन जो हमेशा क्या आएगा, देखा गया है जब क्वेश्चन नंबर वन में हमेशा सम्स आ रहा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया पता नहीं किस चीज पर तुला रहता है, एक सम अनकॉमन रहेगा, नहीं समझ आया, ये तुम सोच करके जाना, एक सम तो हम कितना भी सम्स करवा दें उसमें से एक सम अनकॉमन रहेगा, बट वो एक अनकॉमन सम्स पढ़ करके जो तीन सम आता होगा ना उसको अनकॉमन मत समझ लेना, नहीं तो एक सम अनकॉमन है चार नंबर का, ये पूरा ही नहीं करेंगे, हट छ, समझ आया हम क्या बोल रहे हैं, लग अच्छा रहा तो चारों सम कर सकोगे, नहीं तो एक सम अनकॉमन रहेगा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, तो ठीक है ना, 16 में 12 उठाओ, 12 इज नॉट लेस, चलो अभी देखो, और अगर इंस्टीट्यूट पेपर ठीक से सेट किया, सिलेबस के अंदर से दिया तो 16 में 16 उठाओगे, चलो भी आओ दोस्तों, रिडेम्पशन प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड इज 48, रिडेम्पशन प्राइस 48 दे रखा है, फ्रंट एंड और बैक एंड लोन दे रखा है, क्या ऐसा क्लास में चर्चा हुआ है बहुत बार, देखो रिडेम्पशन प्राइस जो होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है, रिडेम्पशन प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, कोई भी एक बच्चा बोलो, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला बोलो, बोलो रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला, और सुनो रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला बोलो ना, एनएवी, अच्छा म्यूचुअल फंड कंपनी तेरे को रिडीम जब करेगा ज्यादा चुकाएगा कि कम चुकाएगा, थोड़ा लॉजिक लगा, म्यूचुअल फंड तेरे को हाँ जो ज्यादा बोल रहा है ना वो गांजा और मदिरा पान का सेवन करता है, एनएवी चल रहा है 40 रुपया, हाँ और तुम तो बहुरानी या दामाद है, म्यूचुअल फंड कंपनी का बोलेगा एनएवी 40 रुपए चल रहा है, आप हम लोग को छोड़ करके जा रहे हैं, हम आप लोग को ज्यादा देंगे, एनएवी अगर 40 चल रहा है और तुम म्यूचुअल फंड कंपनी से रिडेम्पशन करवाने आया है तुमको 40 मिलेगा कि 40 से कम मिलेगा, तो रिडेम्पशन प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड का आउटफ्लो है कि इनफ्लो है, आउटफ्लो तो तेरे को कम रुपया देंगे बे, छोड़कर जा रहा है ना, रुक, नहीं समझ आया, एग्जिट लोड काटते हैं, नहीं समझ आया, तो ज्यादा देंगे कि कम, तो कम देने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, बड़ा, अबे नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तब ना वैल्यू कम आएगा, वन प्लस बैक एंड लोड को और एक क्या बोलते बताओ ना, एग्जिट लोड, वन प्लस बैक एंड लोड, कॉपी खुला हुआ रहना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन, थोड़ा बाबा जी की तरह मत, आप लोग एकदम आकर के बैठ गए हैं, थम्स अप पेप्सी कोक पी रहे हैं एकदम आराम से, उतना समय नहीं है, hey, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एनएवी बाई वन प्लस बैक एंड लोड, अब इस क्वेश्चन में देखो, अच्छा सॉल्व पहले हम ओरली यहां पर कर दे रहे, देखो पहले हम सॉल्व कर दे, फिर रिडेम्पशन प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अरे मुंह खोलो और बोलो रिडेम्पशन प्राइस, नहीं तो हम करवाएंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता दें दिसंबर 18 वाले जून 18 वाले बच्चे ऐसे कॉपी में बहुत सारा सम करवाया हुआ है, बोलिए पेपर डिस्कस करें थोड़ा फटाफट पार्टिसिपेट करो, रिडेम्पशन प्राइस खोल कर बोलो कितना है, हाँ 48 है क्या, तो रिडेम्पशन प्राइस की जगह हम कितना बैठा देंगे बताओ, 48 बैठा देंगे, एनएवी निकल जाएगा इससे, मेरे को पेपर में देख करके बताओ बैक एंड लोड कितना दिया है, फ्रंट एंड 2% और बैक एंड 3% को 0.03 बोल ले क्या, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 एनएवी निकल जाएगा, ये सॉल्व करके एनएवी निकल गया बता 49.44, यहां तक छाप लो, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला होता है एनएवी बाई 1 प्लस बैक एंड लोड, म्यूचुअल फंड चैप्टर में ये सब फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला होता है एनएवी बाई 1 प्लस बैक एंड लोड, बैक एंड लोड को और एक क्या नाम है बताओ तो एग्जिट लोड, तो रिडेम्पशन प्राइस इस क्वेश्चन में कितना है, मुंह खोलो और बताओ 48, तो एनएवी एनएवी बाई 1 प्लस 0.03 सॉल्व करके एनएवी निकल जाएगा 49.44, डन वाले बोलेंगे डन, अब सुनो जैसे रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या था, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या था,
एनएवी बाई वन प्लस बैक एंड लोड। वैसे ही जो इश्यू प्राइस रहेगा ना म्यूचुअल फंड का, क्या रहेगा? इश्यू प्राइस, जिसको पब्लिक ऑफर प्राइस भी बोलते हैं, पब्लिक ऑफर प्राइस, पब्लिक इश्यू प्राइस पर यूनिट। कॉपी करते चलो, पब्लिक ऑफर प्राइस पब्लिक इश्यू प्राइस पर यूनिट, पब्लिक ऑफर प्राइस पब्लिक इश्यू प्राइस पर यूनिट। अच्छा सुनो ना, मान लो एनएवी 49.44 चल रहा है, आई रिपीट, एनएवी कितना चल रहा है? 49. सुनो ना, एनएवी वाली 49.44 चल रहा है। जब हम तेरे को यूनिट देंगे ना, तेरे को 49.44 में देंगे कि ज्यादा रुपया लेंगे? ज्यादा रुपया लेंगे रे, एनएवी 49.44 चल रहा है तो क्या हुआ? अभी रुपया लेने का बात आ रहा है ना। सो व्हेन म्यूचुअल फंड कंपनी इश्यूज यूनिट टू द इन्वेस्टर, इट विल नॉट इश्यू एट 49.44, बोलेगा हम लोग को बहुत सारा चार्जेस भी लगता है तुमको ऑन बोर्ड लाने का। तो ऑन बोर्डिंग चार्जेस को बोलते हैं फ्रंट एंड लोड, एंट्री लोड। तो 49.44 लेंगे कि ज्यादा लेंगे? चुकाएंगे ज्यादा कि कम? रिडेम्पशन प्राइस विल बी लेस देन एनएवी, बोलो मुकुल करके। एनएवी जितना चल रहा है तेरे को उतना चुकाएंगे कि कम चुकाएंगे? जो छोड़ करके जाएगा उसको कम चुकाएंगे, और जो आएगा उससे एनएवी लेंगे कि थोड़ा ज्यादा लेंगे? तो पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है एनएवी बाय वन माइनस फ्रंट एंड लोड। एनएवी तुम्हारा निकाला हुआ था कितना? 49.44, और फ्रंट एंड लोड कितना था? 0.02। तो 49.44 बाई 1 माइनस 0.02, सॉल्व करके बताओ 50.45। ये बहुत काम का दोनों फॉर्मूला है दोस्तों। दोनों फॉर्मूला में ऊपर में तो एनएवी है, एनएवी के साथ खेल रहे हैं, एनएवी के साथ खेलना है। रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला बोलो, एनएवी बाय वन प्लस बैक एंड लोड। आई रिपीट, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला इज एनएवी बाय वन प्लस बैक एंड लोड, और इश्यू प्राइस पब्लिक ऑफर प्राइस का एनएवी बाय वन माइनस फ्रंट एंड लोड। जो कंसेप्ट समझ गया कि रिडेम्पशन प्राइस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, कम होगा। रिडेम्पशन प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, तो नीचे में डिनोमिनेटर बड़ा होगा इसलिए प्लस होता है। और पब्लिक ऑफर प्राइस जो हम लोग इश्यू करेंगे ज्यादा में करेंगे, एनएवी जो चल रहा है उससे ज्यादा में इशू करेंगे तेरे को। तो ज्यादा वैल्यू पब्लिक ऑफर प्राइस का क्या रहेगा? ज्यादा वैल्यू, ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए नीचे में क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर छोटा होगा। पक्का? व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? तो आप आराम से लिख सकेंगे, ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई RBI on behalf of Government of India, issued by RBI to finance short-term needs of Government of India and purchased by the investors. Investors can be banks, mutual fund companies, normal individual investors, okay, corporates, anyone. So what a treasury bill mein khali itna hi likhna, matlab tumko aata hai treasury bill bahut acche se, but it does not make any sense that you are writing benefits of treasury bill. You are writing four types of T bills are there, 14 days T bill, 91 days, 182, 364, ऑक्शन के बारे में लिख रहे हो, फ्रेंच ऑक्शन, फ्रेंच ऑक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, डच ऑक्शन यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, एनडीएस के बारे में लिख रहे हो, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑक्शन। वो जब पूरा शॉर्ट नोट आएगा ट्रेजरी बिल के ऊपर तब, अभी तो खाली ट्रेजरी बिल का डेफिनेशन पूछा है और सम पूछा है। समझ आया? क्या पूछा है? यील्ड टिल मैच्योरिटी। तो याद करो, एकदम बनिया बुद्धि लगाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। ए देखना, आए इधर देख, एकदम बढ़िया बुद्धि लगा। ट्रेजरी बिल का यील्ड, तुमने ट्रेजरी बिल कितना में खरीदा? इतना में। ट्रेजरी बिल्स पता है ना, और ऑलवेज ब्रॉट एट व्हाट? डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। पक्का? द डिफरेंस इज अ यील्ड। तो देख बेटा, मैंने ट्रेजरी बिल कितना में खरीदा बता दो? 99.094। अच्छा, अगर एज एन इन्वेस्टर मैंने 99.094 में खरीदा, मेरे को मिलेगा कितना? 100। जब मेरे को रिडेम्पशन मिलेगा कितना मिलेगा? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेरा कमाई है यो पे 100 माइनस 99.0894। ये मेरा कमाई है क्या? बोलते नहीं आप लोग, ये मेरा क्या है? सुनो ना, ये कमाई मेरा कितना रुपया लगा करके हुआ? हमने कितना रुपया लगाया? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी सुने हो क्या बचपन में? हमने कितना रुपया लगाया था? 99.0894। मैंने 99.094 लगाया, मेरे को मिलेगा कितना?
तो 100 minus 99.0894 इज माय गेन, इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना? 99.094. पक्का? अब सुनो, ये 4 मार्क्स हटा दे रहे हैं ना बेटा. अब इतना मैंने कमाई कर लिया, बोलो ना, इतना मैंने क्या किया? इतना मैंने जो कमाई किया वो कुछ दिनों में किया ना, बोलो कुछ कितने दिनों में किया? चेक करो तो. हा, 91 डेज में नहीं किया. देखो मैंने खरीदा था 91 डेज ट्रेजरी बिल अक्टूबर 19 को रिडेम्पशन और अगस्त 24 को, बिकॉज यू नो व्हाट, ट्रेजरी बिल्स कैन बी ब्रॉट टू प्राइमरी मार्केट ऑल्सो एंड सेकेंडरी मार्केट. तो अगर खरीदने का डेट नहीं दिया तब तो तुम 91 ले लेना, बट यहां तो खरीदने का डेट दिया रे, अगस्त 24 से अक्टूबर 19 तक मैंने खरीद कर रखा. तो अगस्त 31 का महीना होता है. 24-31 कितना? 24-25, 26-27, 28-29, 30-31 कितना? 8 दिन. अगस्त का कितना? 8. सितंबर का 30, 8 और 30 बोल 38. अक्टूबर का 19, 38 और 19 बोल 57. बोलो. तो ये मैंने कमाई कितना दिन में किया? 57. तो अगर मेरे को एनुअलाइज यील्ड निकालना है तो 365 दिन में कितना कमाई किया? तो इंटू 365/57. मैंने ये जो कमाया कितना दिन में कमाया? 57 डेज. तो पूरा 365 दिन का रिटर्न कितना हो जाएगा? अगर मैं 57 डेज में कमा रहा हूं तो 365 दिन में कितना कमाता? इंटू 365/57 कर लो. बोलो ना क्या बोल रहे हैं, समझ आया? अगर तेरा एक दिन का कमाई 1 रुपया, 365 दिन का कमाई बता, 365 इंटू 365 किया ना, एक दिन में जितना कमा रहा था 365 दिन में कितना कमाएगा? इंटू 365 करके. पक्का? तो इंटू 365 डिवाइडेड बाई 57 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100. बताओ सॉल्व करके. यार मेरे को कैलकुलेटर दे दो, मेरे को कैलकुलेटर दे दो, क्योंकि तुम लोग जो हो ना ऑलरेडी बाबा जी बन चुके हो, खाली तुम लोग को हिमालयस पे छोड़ने जाना है. बाद बाकी तुम लोग फ्री कितना आ रहा है? 5.885% क्या? आई एम नॉट चेकिंग द कैलकुलेशन. हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? ट्रेजरी बिल का यील्ड कैसे निकालते हैं? खरीदा 99.0894 में, मेरे को मिलेगा 100, तो जो डिफरेंस है वो मेरा कमाई हो गया 99.094 रुपया के ऊपर. ये मेरा कमाई है इतना रुपया लगा करके, तो साल भर का रिटर्न कितना हो जाएगा? इंटू 365/57 इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए. बोलो, बोलो ना. ठीक है, अब जिन लोगों को डिसलेक्सिया है, तारे जमीन पर, उनको ये सब भेजा में, चाहे कुछ भी कर लो भेजा में नहीं जाएगा. तो उनके लिए ना एक फॉर्मूला है. देखो ये फॉर्मूला, ये 100 तो 100 है, ये तेरा प्राइस था, नीचे भी क्या था? प्राइस इंटू 365, तो 357 क्या था? डेज इंटू 100. याद करो, अपने फॉर्मूला भी याद किए थे क्लास में, फॉर्मूला भी लिख लो. एग्जाम में फॉर्मूला प्रेजेंट करके दिखाना कंपलसरी है, तो तुम अपने आप को वो ऐसा नहीं समझ सकता आई एम अस्टर्ड, मैं फॉर्मूला नहीं लिखेगा, मार्क्स कट जाएगा. 100 minus P/P × 365/D × 100. डिड यू कॉपी द फॉर्मूला? अरे बोलो ना. ये दोनों क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन सर, ये दोनों क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन सर. अब ये 2 नंबर का देखे क्वेश्चन है चुटकू सा. दो नंबर का ना कभी कभी वैल्यू ऑफ राइट्स पूछ लेता है, ये भी कॉमन ही बोलो. वैल्यू ऑफ राइट्स बताओ, वैल्यू ऑफ राइट्स का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ राइट्स का ना फॉर्मूला होता है. हाँ भाई बताओ. पहले फॉर्मूला कॉपी करो वैल्यू ऑफ राइट्स का. एवरीवन कॉपी द फॉर्मूला. वैल्यू ऑफ राइट्स इज इक्वल टू एन इंटू वी बेस ई एक्स, मतलब ये वैल्यू ऑफ एक्स राइट शेयर है, माइनस वी बेस ओ एफ.
मतलब वैल्यू ऑफ ऑफर डिवाइडेड बाई एम मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब एग्जाम में ना तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ राइट्स, बोलो मुखल करके। अभी मत डिफाइन करो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डिफाइन था कि एन जो है ना ये एन नंबर ऑफ राइट्स है, एम जो है ना नंबर ऑफ शेयर्स। समझाया? वैल्यू यानी पी एक्स बोलो ना, वैल्यू वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स राइट शेयर एंड बी ऑफ एस राइट ऑफ अर प्राइस। तुम पी एक्स लिखो ज्यादा बेटर टर्म है, पी एक्स बाई पी ओ एफ। क्लास में अपने वी लिखे थे कि पी लिखे थे, तो पी लिखो ना ज्यादा बेटर टर्म है, पी एक्स माइनस पी ओ एफ बाई एम। एन इंटू पी एक्स माइनस पी ओ एफ बाई एम। अब ऊपर में सब देख करके बढ़ा दो, एन कितना बताओ 3000, प्राइस ऑफ एक्स बताओ कितना है 24, प्राइस ऑफ एफ बताओ कितना है 21, डिवाइडेड बाय एम टोटल बताओ। अरे कैसे बचे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड पहले, टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितना था 1800, सॉल्व करके बताओ 5 रुपये आंसर, दो नंबर फोकट का था। खाली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद है तो दो नंबर चला जाएगा, चला गया तो दो नंबर के लिए रोना मत, बाद बाकी पेपर करो ना। बड़े आगे वन का पार्ट डी देखते हैं, बता सकते हो कि नहीं। म्यूचुअल फंड बार बार म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को ब्रीच किया, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने बार बार म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का ब्रीच किया, उसके ऊपर सभी ने 2 लाख का पेनल्टी लगा दिया, एओने 2 लाख का पेनल्टी लगा दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड बोला क्यों लगा रहे हो, एक्सीडेंटली किए, इंटेंशनली नहीं किए, इट वॉज नॉट एक्सीडेंटली, कसम से मैंने इंटेंशनली नहीं किया। म्यूचुअल फंड कंपनी हैज ब्रीच द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बट नॉट इंटेंशनली, क्या पेनल्टी लगाना चाहिए, इज द पेनल्टी जस्टिफाइड। मेंस रिया तो नहीं है, तो मेंस रिया क्रिमिनल ऑफेंस में देखा जाता है, सिविल इकोनॉमिक ऑफेंस में मेंस रिया इज नॉट इंपॉर्टेंट। केस का नाम बताओ, तुमको बोल दिया रेलिवेंट केस, अभी मैट में दिखाई देना वो रेलिवेंट केस, सेबी वर्सेस शीरा म्यूचुअल फंड कंपनी। ओके, अब तुम्हारे पेपर में ना भर भर के भर भर के चॉइस आता है, क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी रहता है, उसके देखो क्वेश्चन के अंदर चॉइस रहता है। एक बार बच्चा डर जाएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, चॉइस नहीं है, अबे है क्वेश्चन वन तो करेगा, फिर देख बोलता है 2 नंबर कर या 2 का 1 कर। अब देख तुम अपना परफॉर्मेंस देखो कि तुमको याद आ रहा है कि नहीं। फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, माई गॉड कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था जो तुम सोच रहे हो वह नहीं, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट वो बड़ा वाला नहीं, वो तो फाइनेंशियल सिस्टम वाला था, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट चार्टो वाला, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग मोबिलाइजेस द से, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट सेविंग मोबिलाइजेस द सेविंग्स, क्रिएट्स अ मार्केट फॉर बायर एंड सेलर टू परचेस द सिक्योरिटी, मेंटेन्स लिक्विडिटी। अब ये 3 नंबर का है, तो सिक्योरिटी मार्केट को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देना कि सिक्योरिटी मार्केट आखिर क्या होता है। सिक्योरिटी मार्केट कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नहीं समझाया, इफ द शेयर्स आर सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी प्राइमरी एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड देन इट्स कॉल्ड सेकेंडरी। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर फॉलोइंग द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तुमको ना हेडिंग लिखना चाहिए फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, और फिर 0.1234 करके लिख दिया, समझ में आया, और फिर इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, लिक्विडिटी को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, मोबिलाइजिंग को अंडरलाइन कर दिया, लिंक को अंडरलाइन कर दिया, प्लेस को अंडरलाइन कर दिया। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ फंड ऑफ फंड्स की दिखा देना रे बाबा, बहुत सारा डिसएडवांटेजेस रहता है, टू मच डाइवर्सिफिकेशन, बोलो एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन, हाई कॉस्ट हाई रिस्क लेस ट्रांसपेरेंसी, सब मतलब गंदा गंदा जो चीज होता है वो लिख देना। लिख सकेंगे क्या, तो पहले आप सीधा डिसएडवांटेज में चालू हो जाएंगे कि पहले फंड ऑफ फंड को डिफाइन करेंगे, कि फंड ऑफ फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड व्हिच इन्वेस्ट इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज, एट प्रेजेंट इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया because of the following disadvantages, it is not allowed in India because of the following disorder, fit disadvantages points are to likh lo aram se, conditions for issue of idr godi mein padha kar likhenge, conditions for issue of idr, hello what are the conditions for issue of idr, pehle idr ko explain kar do, indian depository receipts are the securities which are issued by foreign company for the indian investors listed in indian stock market, likh diya, फिर फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ आईडीआर, देखते हैं कौन बता सकता है, हाथ जोड़ा करके बताओ कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ आईडीआर, एनीवन, मेरे दिमाग में जो सब कुछ आता है आपके दिमाग में, कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ आईडीआर,
कंडीशन फॉर इशू ऑफ आइडिया, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा मतलब लटकोगे बेटा, पढ़ाई लिखाई हो रहा तो बेटा झंडा गाड़ोगे, हाँ हाँ वही वाला कंडीशन फॉर इशू ऑफ आइडिया। अरे बिल्कुल सही जो बोला, पचास करोड़ नहीं मिलियन, प्री इशू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, प्री इशू पेड अप कैपिटल एंड फ्री इशू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब इशू क्रेडिट पहले पेड अप सेट अप नहीं था, एटलीस्ट 50 मिलियन यूएस डॉलर। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्री फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 100 मिलियन यूएस डॉलर। प्री इशू पेड अप कैपिटल इज 50 मिलियन यूएस डॉलर। एवरेज मार्केट कैप, मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस 100 मिलियन यूएस डॉलर। इट हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉपर्टी इन एटलीस्ट 3, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉपर्टी इन एटलीस्ट 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर। कंटिन्यूस ट्रेडिंग हिस्ट्री इन द पेरेंट कंट्री फॉर लास्ट 3 ईयर्स, नहीं याद आया। कंटिन्यूस ट्रेडिंग हिस्ट्री इन लास्ट 3 ईयर्स, नॉट बैंड बाय द फॉरेन सिक्योरिटीज रेगुलेटर, पक्का। एंड अदर कंडीशन में जो आइडिया इशू करेगा उसका पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व का 25% से ज्यादा इशू नहीं कर सकता। अच्छा कोई बता सकता है मिनिमम आईडीआर साइज कितना रहेगा? 50 करोड़ मिनिमम आईडीआर साइज, 50 मिलियन नहीं, वो तो उसका प्री इशू कैपिटल एंड रिजर्व था। जो वो आइडिया लेकर आएगा 50 करोड़, इससे कम चाहिए तो जाओ बाबू बांग्लादेश में जाओ, हमारे यहां मतलब मिनिमम 50 करोड़ अगर चाहिए तो। और एक इन्वेस्टर कितना रुपया लगा सकता है? 20,000। कितना परसेंट क्यूआईबी लोग खरीदेगा? कम से कम 50% क्यूआईबी, याद आया ये सर? तो सोना है ये सारा पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स। डू यू रिमेंबर आईडीआर? कैसे बच्चे हैं रे, चैप्टर नंबर बताओ। तेरे को याद नहीं आया इसलिए दिखा रहे हैं, जो याद आ जाता है वो नहीं दिखाते हैं। ये देख, एलिजिबिलिटी फॉर इश्यू ऑफ आईडीआर, प्री इशू, डिड यू रिमेंबर? प्री इशू पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, बोलता है प्री इशू पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, कम से कम 50 मिलियन यूएस डॉलर एफआर। एवरेज मार्केट कैप मिनिमम लास्ट 3 इयर्स में कम से कम 100 मिलियन यूएस डॉलर। कंटिन्यूस ट्रेडिंग रिकॉर्ड है लास्ट कितना साल? 3 साल। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन एटलीस्ट कितना बताओ ना? 3 आउट ऑफ इमीडिएटली 5 इयर्स एंड सच अदर क्राइटेरिया विच हैव बीन स्पेसिफाइड। अदर कंडीशंस में 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से वो ज्यादा इशू नहीं कर सकता अपना फाइनेंशियल ईयर में। और क्या कंडीशन था? नॉट लेस देन 50 करोड़, मिनिमम एप्लीकेशन 20,000, 50% आईडीआर क्यूआईबी लोग खरीदेगा, याद आया क्या? इसी को तो रिविजन बोलते हैं कि दिमाग में आ गया। वाइंडिंग अप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत सिंपल था, ऑलमोस्ट सेम एज एएएफ था। जब इसका पर्पस क्या हो गया? अकम्प्लिश। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पर्पस अकम्प्लिश हो गया। सीजेस टू होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट, सीजेस टू होल्ड एनी, कब वाइंड अप कर देंगे? जब इसका पर्पस क्या हो चुका है? पर्पस इज अकम्प्लिश, ठीक है? या इसका जो ट्रस्टीज है, पर्पस अकम्प्लिश हो गया, या इसका जो ट्रस्टीज है उन लोगों को उचित लगा कि सबके भलाई में यही है, सीआईएस को मार डालो। ट्रस्टीज थिंक इट्स बेनिफिशियल, बाबा जी लोग नहीं लिख रहे होंगे, बाद बाकी लोग लिख ले रहे होंगे, पर्पस इज अकम्प्लिश, ट्रस्टीज इट बेनिफिशियल टू वाइंड अप, या कौन ऑर्डर कर दिया? सेबी ऑर्डर कर दिया वाइंडिंग अप, या इसके जो यूनिट होल्डर्स हैं 3/4 इन वैल्यू डिसाइड वाइंडिंग अप। ये 4 क्राइटेरिया था। पर्पस अकम्प्लिश हो गया, ट्रस्टीज थिंक्स इट बेनिफिशियल टू वाइंड अप, सेबी ने ऑर्डर कर दिया, या यूनिट होल्डर्स 3/4 इन वैल्यू डिसाइड। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, कोई बता सकता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड इज दैट अब अ म्यूचुअल फंड विच विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कंपनीज, दे विल इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट कंपनी सिक्योरिटीज, ओके? तो अब इसका एडवांटेजेस वगैरह तुम आराम से लिख देना 3-4 पॉइंट बना करके, कि दोज हु डू नॉट वॉन्ट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, they can invest in real estate mutual fund. Risk gets diversified, more return potential, more liquidity. तुम real estate में ज्यादा रुपया लगाएगा उसमें ज्यादा liquidity रहेगा कि mutual fund में ज्यादा liquidity रहेगा? तो more liquidity will be there, less risk will be there. सुना? बोलो, more liquidity, less risk. ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना 3-3 नंबर के, 5 तो लिखने मिल रहा है, हम
अगर होंगे तो हम ये वाला क्वेश्चन रिजल्व करेंगे, नहीं सुनना जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है इसमें से अगर एज अ स्टूडेंट तुमको नहीं भी आएगा एक तो भी तुमको ये वाला अटेंड करना चाहिए, इसमें स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कुछ याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन ऑल कैटेगरीज ऑफ एएफ और सब्जेक्ट टू सर्टेन, क्या बताओ ना कंडीशन। या मैन कैटेगरी वन टू थ्री को बता सकता है? कैटेगरी वन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहां पैसा लगाते हैं? कैटेगरी वन एएफ इज दैट टाइप ऑफ एएफ व्हिच आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कंपनीज, एंजल फंड्स, सोशल प्रोजेक्ट्स, सोशल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट। याद आया? और एएफ कैटेगरी टू जो वन और थ्री का नहीं होता वो टू में आता है, जनरली प्राइवेट इक्विटी फंड्स। और थ्री वाला कौन देता है? कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एएफ ऑफ थर्ड कैटेगरी इन्वेस्ट इन कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एग्जाम्पल वॉट? हेज फंड्स। याद आया क्या? और फिर इसका ये सब पूरा इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया लिख देना कि एंजल इन्वेस्टर एंजल फंड में लगाता है, एंजल फंड कहां पैसा लगाता है, कितना लगा सकता है, और अदर एएफ कहां पैसा लगाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है ना, और उसमें कौन कौन पैसा लगाता है, कितना अलाउड है। एग्जाम में वो सब पॉइंट में भी लिख देना और जहां मौका मिले ऐसा चार्ट भी बना देना। सुनाया? मार्केट बेनिफिट्स ऑफ हेज फंड, मैट से अपना पढ़ लेना है हेज फंड का क्या क्या बेनिफिट है। ये कौन सा चैप्टर में था कोई बता सकता है? अभी तो दिखाई दे थोड़े पहले कैपिटल मार्केट वाला में। अरे कैपिटल मार्केट चैप्टर में था ना हेज फंड। ईसीबी दबा करके लिख सकेंगे क्या? दीज आर वॉट कमर्शियल क्रेडिट्स टेकन बाय द कॉर्पोरेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। बताओ वेरियस ट्रैक्स एंड फॉर्म्स, हाउ मेनी रूट्स आर अवेलेबल? ऑटोमेटिक टू रूट्स आर अवेलेबल, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, अप्रूवल रूट आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सर आपको बताना पड़ेगा ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन आते हैं? कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग होटल हॉस्पिटल। याद आया? कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर ये सब आते हैं। एनजीओस इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनजीओस आर इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एसईजेड आल्सो फॉल्स अंडर ऑटोमेटिक रूट। फोर कैटेगरीज अंडर ऑटोमेटिक रूट, कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर एसईजेड, बट दे कैन नॉट ऑनलाइन और डाइवर्ट द फंड टू डीटीए सिस्टर कंसर्न्स इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। एनजीओस इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। फिर लिमिट्स भी याद करना पड़ेगा। अरे वाह लवली बेटा लवली, 750 मिलियन US डॉलर जो कॉर्पोरेट्स है ना होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को हटा करके 750 और होटल हॉस्पिटल 200, बाद बाकी कॉर्पोरेट का 750 मिलियन US डॉलर है और होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर का 200 मिलियन US डॉलर पक्का, और एनजीओस वगैरह का 20 मिलियन US डॉलर। अच्छा 20 मिलियन US डॉलर तक का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है और 20 से 750 का 5 साल। बोलो कुछ ऐसा ईसीबी, कुछ ऐसा ईसीबी, दीज आर कमर्शियल क्रेडिट्स ईसीबी आर द, अरे कहां गया? यस ईसीबी आर द कमर्शियल क्रेडिट्स, कमर्शियल लोन्स। अच्छा ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन आता है एलिजिबल बोर्ड? देखो कॉर्पोरेट्स आएगा इंक्लूडिंग होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर बोले थे ना, चार जन आएगा ऑटोमेटिक में। और बताओ यूनिट्स इन एसईजेड, और बताओ एनजीओस इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस, और बताओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका अमाउंट मैच्योरिटी कितना मिलियन यूएस डॉलर तक अलाउड है? 750। और इन लोग को होटल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को कितना अलाउड है? 200। और 20 मिलियन यूएस डॉलर तक का मैच्योरिटी पीरियड कितना? 3 साल। और 20 से 750 का मैच्योरिटी पीरियड कितना? 5 साल पक्का। और जो एनजीओस वगैरह है जो माइक्रो फाइनेंस वाले एनजीओ उनको कितना? 10। और अन्य कैटेगरी में कितना है? 20। फिर याद है इन लोग का एंड यूज पड़े थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इसी भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ। और बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और बताओ डायरेक्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है जॉइंट वेंचर, फर्स्ट एड एक्विजिशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, स्पेक्ट्रम में याद है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं।
रोड, रेलवे, हाईवे, टोल बनाने के लिए, और कहां यूज नहीं कर सकते इसीलिए, वर्किंग कैपिटल डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरा कंपनी को खरीदने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, जनरल पर्पस के लिए, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए आप इसीलिए यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट करोगे कि टू है? मेरे को दोनों आता है बट हम टू अटेम्प्ट करेंगे। थ्री में कोई चॉइस नहीं है तो थ्री करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये अपना वही है एएफ में है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, उसका है पूरा क्राइटेरिया। सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, सेबी को बताना पड़ेगा कहां पैसा लगा रहा है। अच्छा, अगर तुमको एग्जैक्टली याद नहीं आए तो कुछ कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हो ना, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट नीड्स टू सेबी। अरे चैप्टर नंबर बताना है ये फॉलो, आई एम आस्किंग चैप्टर नंबर। हियर वी गो, ये रहा फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब कौन इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, एलिजिबल होगा कि जब इनएलिजिबल होगा। तो पूरा तुमको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा लिख देना। बोलो क्लियर है? फिर बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑन एसएमई, याद करो एसएमई का वेबसाइट से खोल करके दिखाए थे मेरे बच्चों को, अगर याद आ रहा है तो। अगर आप एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेंगे, एक शान का बात है ना रे, एसएमई में एक्सचेंज में अगर क्या करवा लेंगे लिस्ट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर गुडविल। कुछ याद आया क्या? हाँ, किन लोगों को याद आया, हाथ उठाओ, जब अपने एसएमई एक्सचेंज खोले थे, बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग पढ़ रहे थे, फुल एंड मेरे बच्चे, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोर गुडविल, टैक्स कंसेशन, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, मोर ट्रांसपेरेंसी। बाबा जी वाले बच्चे बैठे होंगे, बाद बाकी बच्चे फटाफट लिख लिए होंगे कि क्या बेनिफिट था लिस्टिंग करवाने का। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और बताओ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और बताओ, हाँ और क्या है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहता है, गुडविल बढ़ जाता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ट्रांसपेरेंसी, गुडविल, टैक्स बेनिफिट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मोर कंप्लायंसेस लिख दो, मोर कंप्लायंसेस, मोर कंप्लायंसेस अच्छा चीज है ना, देखो कहां से दिखाए थे हम दिखाते हैं, bsc sme.com, याद आया bsc sme.com में गेट लिस्टेड बेनिफिट्स फॉर लिस्टिंग, यहां से दिखाए थे, अब याद आया ऐसा कुछ दिखाए थे, इजी एक्सेस टू कैपिटल मिल जाता है, गुडविल, विजिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, मतलब क्या गुडविल, ये भी लिख, इनकरेजेस ग्रोथ भी लिख दो मेरे बच्चों, इनकरेजेस ग्रोथ, टैक्स बेनिफिट तो लिख ही चुके हैं, इनकरेजेस ग्रोथ कॉमन लिक्विडिटी लिख दो, इनकरेजेस ग्रोथ कॉमन लिक्विडिटी, फाइनेंस तो लिख ही चुके हैं, रिस्क लिख दो, रिस्क लेस, रिस्क कम हो जाता है, और इंप्लॉय लोग को अपने हिसाब बांट करके उन लोग को भी इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर मैं लिस्टिंग ही नहीं करवाऊंगा इंप्लॉय लोग को हिसाब कैसे दूंगा, लिख दो हिसाब टू इंप्लॉइज, हिसाब टू इंप्लॉइज, हिसाब टू इंप्लॉइज। ये बताओ सी का सी, XYZ लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज इशूड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इन द पास्ट, नाउ इट इज प्लानिंग फॉर रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। कब पॉसिबल है रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन? जब नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन इज मोर देन 50 लाख, व्हेन नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन इज मोर देन 50 लाख, एटलीस्ट 75% होल्डर्स बाय वैल्यू हैव गिवन देयर कंसेंट थ्रू पोस्टल बैलेट, दोज़ हू हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट कंपनी विल हैव टू रिडीम, पक्का क्रेडिट रेटिंग इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड एंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। लिख सकोगे 500 पॉइंट,
डिस्टिंग्विश बिटवीन लिस्टेड एंड परमिटेड, बताओ लिख सकोगे क्या? अब सुनो, ये सब आंसर्स जो है ना लिस्टेड परमिटेड, कोई टेबुलर फॉर्म वाला तो आपके पास मैटर ही नहीं है वैसे लिखने का, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए। बट आई बीइंग अ रैंक होल्डर वुड एडवाइस यू, फर्स्ट यू राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म लिस्टेड सिक्योरिटी क्या, परमिटेड सिक्योरिटी क्या, उसके बाद टेबुलर फॉर्म बना दे फ्रॉम द अबव, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर हाइलाइटेड बिलो इन अ टेबुलर फॉर्म, यू एक्सप्लेन लिस्टेड, यू एक्सप्लेन परमिटेड फ्रॉम द अबव, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर हाइलाइटेड बिलो इन टेबुलर फॉर्म। नहीं समझ आया? और फिर तुम खुद ही ऊपर से पढ़ करके डिफरेंस बना सकते हो। देयर लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड, अरे आए आए लिस्टेड परमिटेड लिखने का दरकार नहीं है, गांजा मत लेकर के रखो, ये तो करवा रखे हैं ना रे, सभी कुछ करवाए हुए। लिस्टेड सिक्योरिटीज परमिटेड पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर फ्रॉम द अबव इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड अबव, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट वेयर दे आर लिस्टेड, परमिटेड सिक्योरिटीज आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन दोस सिक्योरिटी मार्केट वेयर दे आर नॉट लिस्टेड, दे आर परमानेंटली ट्रेडेड, दे आर टेम्पररली ट्रेडेड, दे फॉलो स्टॉक मार्केट का गाइडलाइंस, दे डू नॉट फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। नहीं समझा? तीन तो डिफरेंस वैसे ही हो गया बैठे बैठे। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट लिस्टेड सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी लिस्टेड इन सम अदर सिक्योरिटी मार्केट, बट इट इज कंपल्सरी दैट परमिटेड सिक्योरिटी विल बी लिस्टेड इन सम अदर सिक्योरिटी मार्केट। अरे कोई दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तो लिस्टेड था ना, लिस्टेड क्या हो रहा है, जहां ट्रेड हो रहा है वहां लिस्टेड है, परमिटेड जहां ट्रेड हो रहा है वहां लिस्टेड नहीं है, तब उसको परमिटेड बोल रहे हैं। मतलब परमिटेड दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड, बट लिस्टेड दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वैसा जरूरी ही नहीं। ओके, लिस्टेड परमानेंट, परमिटेड टेम्पररी हो सकता है, लिस्टेड कंप्लाई करा पूरा गाइडलाइन, परमिटेड पूरा गाइडलाइन कंप्लाई नहीं करा। हो गया चार्ट ऑफ डिफरेंसेस। आपको पेपर प्रेजेंटेशन का स्किल समझ में आ रहा है क्या करना है? आता है, बट एग्जामिनर को थोड़ी ना पता तुमको आता है। तो पहले तुम लिस्टेड परमिटेड का पूरा डेफिनेशन लिख दिया फ्रॉम द अबव इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड बिलो, सेम कमर्शियल बिल कमर्शियल पेपर का वैसे। कमर्शियल बिल क्या होता है, ट्रेड बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट कमर्शियल पेपर थोड़ी ना ट्रेड बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ये तो इशू, ये तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, दीज आर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई कॉर्पोरेट हैविंग टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ 4 करोड़, सैंक्शन बोरिंग लिमिट, एंड नन ऑफ द बोरोल अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नन ऑफ द बोरोल अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ नॉन, तीन कंडीशन ना। कमर्शियल बिल का कुछ मिनिमम लिमिट नहीं होता, कमर्शियल पेपर का मिनिमम लिमिट 5 लाख होता है। नहीं याद आया? कमर्शियल बिल आप बैंक से डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं, पेपर आप बैंक से डिस्काउंटिंग नहीं करवा सकते। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 3 महीना रहता है बिल का, पेपर का मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, 7 days to 1 year। चार टू पांच सौ डिफरेंस मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। कमर्शियल बिल्स आर ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल बिल का मैच्योरिटी पीरियड जनरली 3 महीना, पेपर का जनरल मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल। पक्का? और बताओ, अमाउंट जो है इसका, कमर्शियल बिल का अमाउंट का कोई लिमिट नहीं, कमर्शियल पेपर का अमाउंट का मिनिमम 5 लाख, कमर्शियल बिल इशू करने का कंडीशन नहीं है, कमर्शियल पेपर इशू करने का 3 कंडीशन है। कमर्शियल बिल इंडिविजुअल भी इशू कर सकता है, बोलो, कमर्शियल बिल इंडिविजुअल भी इशू, कमर्शियल पेपर खाली कॉर्पोरेट इशू कर सकता है। कमर्शियल बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, पेपर्स आर नॉट डिस्काउंटेड बाय बैंक, 6-7 तो डिफरेंसेस बोल चुके हैं, डन वाले बोलेंगे डन। FDI एंड FII, अब ये कॉमन सेंस से लिखना पड़ता है, इतना वास्ट सिलेबस है, मेरे मुंह से कभी FDI सुने हो? हाँ। मेरे मुंह से कभी FII सुने हो? हाँ। बट कभी हम डिफरेंसेस मुंह से सुना है ना? और ऐसा कुछ भी, अब कोई भी दो टर्म को पकड़ करके देखा बोलेगा डिफरेंस लिखो, मेरा काम FDI बताना, FII बताना, डिफरेंस लिखना तुम्हारा काम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में होता है, बोलो मुखोल करके, FDI फॉरेनर लोग कर रहा है बट किसी कंपनी में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में आ रहा है ना, स्टॉक मार्केट में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरनर इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज और ये इन सिक्योरिटीज मार्केट,
भी सेकेंडरी सिक्योरिटी का सेकेंडरी मार्केट में होता है जनरली, जनरली इन सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट, नॉट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, नॉट इन अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। इसमें कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉसिबल। अरे जिस कंपनी में एफडी आया है उसका तो चांदी हो गया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉसिबल भाई कंपनी, यहां कंपनी थोड़ी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकेगा। सुनाया, एफडीआई का रुपया कंपनी के हाथ में आता है, एफआईआई लोग का रुपया कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है, बाजार में जा रहा है। लिक्विडिटी कंपनी को मिल रहा है, यहां लिक्विडिटी मार्केट को मिल रहा है। लिक्विडिटी कंपनी को मिल रहा है, यहां लिक्विडिटी मार्केट को मिल रहा है। एफडीआई लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। आज आप एक कंपनी में पैसा लगाए हैं तो 10-20 साल के लिए लगाएंगे, बट स्टॉक मार्केट में आप 10-20 साल के लिए पैसा लगाएंगे कि जब मन चाहे भाग जाएंगे। बस काफी, अब एग्जाम में अगर तुमको इतना बुद्धि नहीं दिया तो तुम लिखना तो चालू करो, एफडीआई एफआई लो के बारे में लिखना चालू करेगा, फिर उसमें से तुम खुद डिफरेंसेस ढूंढ सकेगा। और स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी लिक्विडिटी ठीक है, ये सब तो मुंह पर रहना चाहिए। अब जैसे यहां पर हम स्टेबिलिटी लिख देते हैं, ये ज्यादा स्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी लेस, स्टेबिलिटी लिक्विडिटी पीरियड ये सब तो रहना ही चाहिए डिफरेंसेस में, stability more stability less। I think it's done। indenture debenture का terms and conditions होता है, बोलो terms and conditions of bond लिख दो, ऐसा करके terms and conditions of bond, indenture मतलब terms and conditions of bond। अब इसको और explain कैसे करेंगे, अब ये कला है, कला जब हम बोल रहे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बॉन्ड तो राइट्स आपको लिखना पड़ेगा, इंडेंचर इज एन एग्रीमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बॉन्ड फुल स्टॉप, इट शैल कंटेन्स द राइट्स ऑफ द बॉन्ड होल्डर, इट शैल कंटेन द लायबिलिटी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बॉन्ड होल्डर, इट शैल आल्सो कंटेन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इशूअर। नहीं समझा, अब टर्म्स एंड कंडीशन है तो तेरा राइट लायबिलिटी मेरा राइट लायबिलिटी यही रहेगा। म्यूचुअल फंड कॉस्ट फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड, ठीक है इसको आप आराम से लिख सकेंगे म्यूचुअल फंड कॉस्ट। नेगोशिएटेड डिलीवरी सिस्टम दो दो नंबर का है, क्या होता है एनडीएस बताओ? हाँ, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड टू ऑक्शन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड टू ऑक्शन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। सर ये सब कौन से चैप्टर में आएगा, तुम बताओ कौन से चैप्टर में आएगा? मनी मार्केट में आएगा ना, नेगोशिएटेड डीलिंग तो चैप्टर नंबर बताओ मनी मार्केट का, मिल गया मेरे को, ये रहा देखो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, यहां पर बताए थे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में, याद आया एनडीएस? सच सच बताओ ये सब लिख सकोगे कि नहीं? फिर आओ पार्ट बी में आ गए, व्हाट मेरा फाइनेंशियल एजुकेशन, अरे कौन सा चैप्टर का बताओ तो मान जाएंगे तुमको। इनिशिएटिव टेकन सो फार चैप्टर नंबर वन, अरे इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल लिटरेसी, तो वो सब जो पूरा एक पन्ना का नोट्स था ना वो एक पन्ना पूरा यहां पर छाप करके आ जाना। डीलिस्टिंग फ्लोचार्ट बना करके पढ़ाए थे डीलिस्टिंग, अगर याद हो तो याद करो फ्लोचार्ट ऑफ डीलिस्टिंग, लिस्टिंग डीलिस्टिंग चैप्टर में था। Hey buddy, tell me the pay number listing, delisting.
याद करो, एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी डिसाइड करेगा कि डिलिस्टिंग करना है कि नहीं। कुछ याद आया ऐसा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलिस्टिंग, प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग, किन लोगों को याद आया? हाँ, ये पढ़े थे हम लोग। पोलैंड, पोलैंड जिन लोगों को याद आया, पोलैंड 90% 10% तो नॉर्मल ऑफ रहेगा ना। देखो क्लास में याद करवाया गया था ये फ्लो चार्ट कि एक पैनल बनाया जाएगा, डिलिस्ट कौन कर रहा है? आरएसी। तो आरएसी एक पैनल बनाएगा कि भाई इसको डिलिस्ट करना है कि नहीं। फिर पैनल जो है ना पब्लिक नोटिस छापेगा 3 न्यूज़पेपर में, याद है, इंग्लिश रीजनल एंड और एक रीजनल, जहां 2 रीजनल, एक तो जहां स्टॉक मार्केट लोकेटेड और जहां एक कंपनी लोकेटेड है। 15 दिन के अंदर जिन लोग को ऑब्जेक्शन होगा उन लोग सबमिट करेगा, फिर डिलिस्टिंग ऑर्डर आरएसी पास करेगा, फिर वापस से पब्लिक नोटिस, वैल्यूअर अपॉइंट किया जाएगा जो कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेगा, और प्रमोटर लोग को वो फेयर वैल्यू चुकाना पड़ेगा, और फिर लोग को बार कर देंगे कितना साल, 10 साल। तो 4 नंबर के लिए है, आराम से आप ये बना करके स्टेप्स 1, 2, 3 करके लिखिएगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी अंडर व्हाट? सेबी एक्ट 1998। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं बताओ तो? इन्वेस्टर का क्या प्रोटेक्शन, आईसीडीआर रेगुलेशन लाता है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरे बच्चों को। पॉलिसीज रिक्वायर्ड, जो पढ़ाई कर रहा है वही बता सकेगा। बोला क्या क्या पॉलिसी बनाना पड़ता है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में? बहुत सारे पॉलिसी का नाम याद किए थे एलओडीआर रेगुलेशन में, रिस्क पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, वो डाइवर्सिटी पॉलिसी, कौन बोला यहां से? बवाल बेटा, वो डाइवर्सिटी पॉलिसी, रेमुनरेशन पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सिडरी पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नहीं आया। रिलेटेड पार्टी का 2 पॉलिसी था, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन कैसे हो और मटेरियल ट्रांजेक्शन का लिमिट्स क्या हो, इसी चैप्टर में था। आजा रे आजा, आओ, ये रहा। पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड अंडर एलओडीआर, दिखा क्या 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 पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड? रिस्क पॉलिसी, प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट पॉलिसी, बोर्ड डाइवर्सिटी, मटेरियल सब्सिडरी, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डीलिंग कैसे हो, विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड रेमुनरेशन पॉलिसी। कोई पे नंबर बता दो रे, 236। तो ये सब पॉलिसी का नाम लिखना था, 4 नंबर फॉरवर्ड का था। अब देखो तुमको ये सब ना जबरसी का पका रहा है, ये सब लिमिट दे रिया और बोला बोनस इशू, तो भाई तुम बोनस इशू का स्टेप्स पूरा मक्खन की तरह बताओ, नहीं समझ आया? बोनस इशू का स्टेप्स पूरा बताओ, 8 नंबर फोकट का 8 नंबर है, तुमको बोनस इशू का पूरा स्टेप्स बताना पड़ेगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल शुड परमिट द बोनस इशू, अदरवाइज यू शुड ऑल्टर द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, नहीं याद आया? ठीक है, फिर बोनस इशू के लिए शेयर्स मस्ट बी बॉट फुली पेड अप, इट कैन बी गिवन ओनली ऑन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स, बोनस इशू कैन बी मेड ओनली फ्रॉम व्हाट? फ्री रिजर्व्स, या तो CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर फ्री रिजर्व, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। बोनस इशू शुड नॉट बी मेड आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, याद आया? फिर बोनस इशू मस्ट बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग, फिर कन्वीन द जनरल मीटिंग बाय गिविंग एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस इन विच इट विल बी अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, नहीं याद आया? बोलो। फिर इट विल बी गिवन टू द एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर वाला पॉइंट, उसके बाद क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, वी शुड अप्लाई फॉर व्हाट? लिस्टिंग, वी शुड अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ द बोनस शेयर्स इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द एक्जिस्टिंग शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड। बोनस इशू में शेयर अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो हम लोग को Pass 3 जमा करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म नंबर Pass 3 2 ROC, हो गया 10 2 पॉइंट। कमेंट ऑन द फॉलोइंग, डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट, क्या मांगा इन लोग, क्या मांगा इन लोग? डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी। अगर ये नहीं समझ में आया कि इन लोग बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी मांगे, एग्जाम देने मत जाओ, मेरा बात मानो। अगर ये नहीं पढ़ करके समझा रहा, डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट, क्या मांगा इन लोग? याद आ गया था ना तुमको, क्या बोलेगा ऐसे, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी बताओ, और पे नंबर भी दे देगा क्या? मोहित सर का ये वाला पे नंबर है, पहला पन्ना में है, पहला पन्ना में पहला पॉइंट भी बता देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ बेड डिलीवरी वाला। अब बच्चे बोलेंगे अब हम लोग लिखेंगे, याद करो क्या क्या था, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी, एलिमिनेशन ऑफ ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट, रिडक्शन इन ब्रोकरेज,
easy transfer and disbursement of non-cash corporate benefit like rights bonus etc. अब देखो रिपीट कैसे क्वेश्चन करते हैं लोग. लिस्टिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर कंपनीज एंड इन्वेस्टर. मतलब बेनिफिट्स ऑफ क्या लिखना है? लिस्टिंग. अभी जो ऊपर में लिखे थे रे तो रिपीट है बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग. तो तुम वही लिखेगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मोर प्रेस्टेज मोर गुडविल टैक्स बेनिफिट्स. तो इन लोग रिपीट करे तो हम क्या करें? लिख देना एवरी इंस्टीट्यूशनल बायर इज QIB. नहीं, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन करता है उसको इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं. बट जो सेबी में क्या रहता है रजिस्टर्ड उसको बोलते हैं QIB. एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ QIB अपने याद करते थे क्लास में. वो लिस्ट ऑफ QIB पूरा लिख देना. बैंक्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी वेंचर कैपिटल यूनिट्स याद आ रहा है पेंशन फंड्स प्रोविडेंट फंड्स. इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन ये चार चार मार्क का जो तीन तो था ना इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन. ऑल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 6. तो ये जो चार तो क्वेश्चन था ना अरे दीदी बास्केटबॉल फुटबॉल दोनों साथ में मुंह दूसरेगा पढ़ा रहे इतना लंबा मुंह. क्वेश्चन नंबर 6 में कितना क्वेश्चन था? 4 ना. बेटर है ये 4 मार्क का क्वेश्चन पास तो करना. बोलो रीमटेरियल दबा करके रीमटेरियलाइजेशन लिख सकेंगे क्या मेरे बच्चे? हाँ कौन सा चैप्टर में पढ़े थे रीमटेरियलाइजेशन? हाँ मेरे को पेज नंबर बताओ डिपॉजिटरीज का चैप्टर नंबर पेज नंबर. थोड़ा अलर्ट रहो बाबा जी की तरह मत बैठो. पेज नंबर पूछ रहे हैं बैठे एकदम बुक भी बंद है. हाँ रिमेनिंग जो रिवीजन क्लास है ना उसमें एकदम एक्टिव बच्चा लोग आएगा पहले बता दे रहे हैं. बाबा जी लोग नहीं आएगा उन्होंने हिमालय पे जाएगा. आप ये नंबर बताओ 219. अरे तेरे को दिखा कि नहीं दिखा तो तुम पढ़ना. मेरे को दिख गया. कुछ याद करो रीमटेरियलाइजेशन का स्टेप याद आया? क्लाइंट RRF जमा करता किसको? DP को. और उसको फिजिकल सेल चाहिए ना. क्लाइंट सबमिट्स व्हाट? RRF टू DP. DP इंटीमेट्स. DP अपना सरदार डिपॉजिटरी को बताएगा. डिपॉजिटरी इंटीमेट इशुअर और उसको RRF भी भेज देता है. फिर इशुअर तेरा क्या करता है? प्रिंट. शेयर सर्टिफिकेट को क्या करता है? प्रिंट. सर्टिफिकेट प्रिंट करके सीधा किसको भेज देता है? इन्वेस्टर. एंड इशुअर कंफर्म्स डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट से हम लोग शेयर काट लेते हैं. कुछ याद आया क्या? ग्रीन शू दबा करके लिख सकेंगे क्या मेरे बच्चे? अरे पूरा एक क्लास पढ़ाती थी ग्रीन शू यार. प्रोविजन रिलेटिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग लिख सकेंगे. मतलब पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में लिख देना है. क्रीपिंग एक्विजिशन कहां पर पड़े थे कोई बता सकता है? सेबी टेक ओवर कोड जो 25 से 75 के बीच में है और जो एक ही साल में 5% से ज्यादा करने नहीं देंगे. 5% से ज्यादा जब तक वो 26% का ओपन ऑफर नहीं दे देता. प्राइस तो फाइनल प्राइस होता है और प्राइस बैंड क्या होता है? फ्लोर एंड कैप. कैप शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द फ्लोर. ये सब एक्सप्लेन कर सकेंगे आराम से. मेरे डिस्कस करने के बाद जब हम सामने रहेंगे सारे पेपर इजी लगता है वो अलग बात है. सबको अपना ही टर्म का पेपर खराब लगेगा बाद बाकी उसको पिछला 20 टर्म आने वाला 50 टर्म अच्छा लगेगा. नहीं समझ आया? खाली अपना टर्म का पेपर खराब लगता है. एक्चुअल में ना सिलेबस वास्ट रहता है और बच्चे पढ़ाई नहीं करते. कारण यही है. नहीं हम तुम्हारे फेवर में नहीं बोल रहे हैं ठीक है. जो पढ़ाई करता है हम देखें वो एक अटेम्प्ट में क्लियर करता है एग्जीक्यूटिव रैंक के साथ क्लियर करता है. आपको तो पता ही है ना रे बाबा जैसे लास्ट टाइम अपने यहां से कितना रैंक था एग्जीक्यूटिव में? 2 रैंक था. एक रैंक नंबर 25 था और एक रैंक नंबर 6. तो जो पढ़ता है 7th क्या? तो एक 25th और एक रैंक 7. तो जो पढ़ता है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता है. तो मैम क्या बोल रहे हैं? और जो नहीं पढ़ता वो मेरे को पहले से ही पता रहता है क्लियर नहीं करेगा. बस हम बोलते नहीं है मुंह. चलो अभी भी समय है. अगर 1.5 महीना जी जान लगा करके पढ़ लिया कोई रोक नहीं सकता क्लियर करने से. कोई नहीं रोक सकता. 1.5 मंथ 45 डेज. तुमको कभी एक दिन अगर खाली मिल जाता था लगता था आज तो दुनिया हिला देंगे. अभी तुम्हारे पास पूरा 45-50 दिन है. जी जान लगा दो आराम से क्लियर करोगे आराम से. चलो भैया
रेडी? अब ये एक धाकड़ सा एक पन्ना का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? इसका आंसर जो है ना एक लाइन का, मतलब इंस्टीट्यूट जाना ऐसा एक सम देगा, हम पहले बोले थे ठीक है। अब इसका आंसर जो है ना जस्ट वन लाइन आंसर, इट्स अ वन लाइन एंड आंसर। कितना नंबर का क्वेश्चन है देखते, 5 नंबर का। अब देख सर ये तो सम खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या है ये? एक लाइन का आंसर है, इसमें क्या हुआ है? डिलिस्टिंग हो रहा है इंस्टीट्यूट। तुम लोग को भगवान समझने लगा है आजकल, पहला बात ये भी ठीक है। और गजब क्वेश्चन दिया, बोला डिलिस्टिंग जो हो रहा है उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मिनिमम इक्विटी शेयर कितना अक्वायर करना पड़ेगा डिलिस्टिंग के लिए और फाइनल ऑफर प्राइस क्या रहेगा? 90% कितना? 90% डिलिस्टिंग मतलब समझ में आ रहा है क्या? शेयरहोल्डर लोग क्या करेगा, शेयरहोल्डर लोग क्या करेगा? ये देखो, बोलेगा हम लोग अपना शेयर जो है क्या कर रहे हैं? सल्टा रहे हैं। ओके, शेयर्स सल्टा रहे हैं डिलिस्टिंग में। 5 इन्वेस्टर लोग 550 में देने को तैयार है, कितना शेयर बताओ ना? 2.5 लाख। अरे बोलो, 4 लाख, 4 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ इन्वेस्टर गया थे लेने, 2.5 लाख शेयर कितना में? 550 में। अच्छा, ये सब शेयर्स कौन अक्वायर करेगा डीलिस्टिंग में? कंपनी का कौन? प्रमोटर। अभी तो चार्ट में दिखाई दे रहे, डीलिस्टिंग में शेयर खरीदता कौन है? प्रमोटर खरीद लेता है। 90% कितना परसेंट? प्रमोटर शेयर खरीद रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा, खरीद रहा, खरीद रहा, खरीद रहा, खरीदा। 90% तक जब उसका शेयर होल्डिंग पहुंच जाएगा ना किसका? बस जिस दाम पर 90% पर पहुंचा शेयर होल्डिंग वो फाइनल प्राइस रहेगा। तुमको यहां पर पूछा था ना फाइनल ऑफर प्राइस कितना रहे, क्या पूछा था? जब प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना परसेंट पहुंच जाए? 90%। द प्राइस एट विच प्रमोटर शेयर होल्डिंग रीचेस 90%, बोलो बोल करके। तो ये जो डिटरमाइन द फाइनल ऑफर प्राइस है ना, कॉपी खोल करके आंसर लिखो। द प्राइस एट विच द प्राइस एट विच प्रमोटर शेयर होल्डिंग द प्राइस एट विच प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज रीच 90%, मतलब जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है व्हेन द प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज रीच 90%, द प्राइस एट विच प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज रीच 90%। अब देखो इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो, 1 करोड़ है क्या? फटाफट बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? कमान, 1 करोड़ का 90% बोलो, 90 लाख शेयर। तो जब प्रमोटर के पास 90 लाख शेयर आ जाएगा वही फाइनल प्राइस होगा। प्रमोट अभी टोटल कितना शेयर है मुंह खोल करके बताओ, 1 करोड़, उसका 90% बताओ। 90 लाख शेयर जब प्रमोटर के पास पहुंच जाएगा वही फाइनल प्राइस होगा। अब ऑलरेडी प्रमोटर के पास कितना है? प्रमोटर के पास ऑलरेडी 75 लाख है क्या? फिर पब्लिक देखो इतना इतना शेयर बेच रहा है क्या? अरे बोलो ना, चलो अब आओ देखते हैं पब्लिक कितना कितना जब शेयर बेच रहा है। तो फिर उसी के बगल में तुम लोग भी बना लो प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। एग्जाम में पूरा चार्ट वापस से बनाना पड़ेगा, बट अभी ये चार्ट बनाया हुआ है, फोर्थ कॉलम उसी के बगल में बना लो प्रमोटर शेयर होल्डिंग। बताओ प्रमोटर के पास कितना था शुरू में? कितना था? 75 लाख शेयर था बोलो। और पब्लिक के पास कितना था? 25 लाख। अब पब्लिक अपना 25 लाख इस तरीके से बेच रहा है प्रमोटर को। मेरे पास ऑलरेडी 75 लाख था प्रमोटर के पास, अभी 2.5 लाख और आ गया, बताओ कितना हो गया? 77,50,000 लिखते चलो। 75 लाख था, अभी 2.5 लाख शेयर और आ गया, मतलब 77,50,000। फिर 4 लाख शेयर और आ गया, बताओ। अरे फटाफट बताओ, हाँ बस ऐसे जोड़ जोड़ करके बस लिखते जाने, 81,50,000
83,50,000, 87,50,000, और बता 88,70,000, और बताओ 90 लाख्स, बस आगे हम नहीं करेंगे। किस प्राइस पर 90 लाख पहुंचा? हाँ, 600 इज अ फाइनल ऑफर प्राइस। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ₹600 पर शेयर। ये क्वेश्चन अब अमेंड हो चुका है। करंट रेगुलेशन के हिसाब से दिस क्वेश्चन डज नॉट होल्ड गुड एज पर करंट रेगुलेशन, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह का जो मीनिंग्स है वो सब क्या हो चुका है, चेंज। फिर थर्ड वाला, स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बताओ स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ, पांच नंबर का क्या लिख सकेंगे, स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सारा, और इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, हाइब्रिड, हाई ग्रोथ ओरिएंटेड, टैक्स सेविंग्स ओरिएंटेड स्कीम, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, नहीं याद आया। तो वेरियस स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, कम से कम 10-12 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड लिख सकेंगे। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू में, स्वेट इक्विटी, मक्खन एकदम, कैपिटल इंडेक्स, डोमेस्टिक ऑफ शेयर, क्या ये सब सुना सुना मतलब इनडेप्थ नॉलेज है? स्वेट इक्विटी का, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का, डोमेस्टिक ऑफशेयर, हेज फंड, अभी भी आया था ना पिछला पेपर में भी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स ना, न्यू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच आर ट्रेडेड ऑन व्हाट, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, सब डायग्राम बनाया हुआ है कॉपी में FCCB वगैरह का। तो हम होते तो हम तो भैया ये वाला अटेम्प्ट करते। क्वेश्चन नंबर टू, फिर ये वाला, अरे बाप रे कितना बार ये सेम क्वेश्चन आता है, पार्टली कन्वर्टेबल डेट, समझ जाओ रोल ओवर करना चाह रहे हैं, अरे ओए 50 लाख से ज्यादा 75% 6 महीना पहले, 6 महीना के अंदर रेटिंग एटसेट्रा, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, ऑनलाइन आजकल क्या होता है, फैसिलिटी मिलता है ना फटाफट ट्रेड करने का, अरे ऑनलाइन क्या होता है, ट्रेड्स, उसी को अपने बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, STP। इसमें आपको पूरा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में जो हम आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वगैरह समझाए थे ना, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, वो सब पूरा लिख देना, अलग अलग टाइप्स जो सिखाए थे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का, और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर क्या था, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, अरे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग चैप्टर नंबर 4 में आया था। फिर इओस्को चैप्टर नंबर कौन सा था, 1, पूरा एग्रीमेंट वगैरह साइन करना पड़ता, वो सब लिख देना। तो इसमें 2 और 2A में अगेन बेटर कौन सा है, 2, 3 नंबर का 5 थो कि 5 नंबर का 3 थो, 3 नंबर का 5 थो। अब ये देखो क्या कैसे क्वेश्चन तुमको बोलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर रेजिंग कैपिटल रिसोर्सेज आर अफेक्टेड बाय द प्रेफरेंस फैक्टर्स फॉर चूजिंग इट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इश्यूअर्स एंड फॉर इन्वेस्टर, एक्सप्लेन ब्रीफली एंड क्लासिफाई द इंस्ट्रूमेंट। लो हाँ बवाल, प्योर, जिसको एक चीज का मजा चाहिए प्योर, जिसको एक से ज्यादा का मजा चाहिए हाइब्रिड, जिसको अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का मजा चाहिए डेरिवेटिव। तो यू नीड टू एक्सप्लेन प्योर इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्योर, हाइब्रिड, डेरिवेटिव, रेटिंग ऑफ NBFC एंड रेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दोनों पूछा है। तो रेटिंग ऑफ NBFC का कौन सा लिखोगे, कैमल्स, कम ऑन, रेटिंग ऑफ NBFC का कैमल्स मॉडल, कैमल्स का फुल फॉर्म बताओ, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम, सिस्टम रिस्क, ओके। और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, इंडस्ट्री रिस्क, मार्केट पोजीशन, अर्निंग, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल लिवरेज, वो सब। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग क्या लिख सकेंगे मेरे बच्चे, हु प्लेज इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर, CC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सर्विलियंस ऑफ RAC, समझ जाओ मार्केट अब्यूज, पूरा क्या एक्सप्लेन कर देना है, अरे 3 पन्ना का नोट्स, ऑनलाइन सर्विलियंस, ऑफलाइन मार्केट अब्यूज, सर्किट ब्रेकर, ट्रेड टू ट्रेड वार्निंग, इन्वेस्टिगेशन, किन लोगों को याद आ गया, आज उठाओ 8 नंबर का है, तो अपना आंसर कम था क्या, 2 से 3 पन्ना का आंसर था 8 नंबर वाला। रिट्स का एक क्वेश्चन आया स्पॉन्सर, तो अपने पढ़ रखे हैं, वो पूरा लिख देना है।
डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स वाला प्रोसेस ऑफ डिलिस्टिंग, पूरा टाइप्स ऑफ डिलिस्टिंग लिख देना और फिर उसका प्रोसेसेस, पढ़ रखे हैं ना रे? फिर ये पब्लिक इशू का ही लोग बात कर रहा है, ठीक है, आईसीडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से इसका आंसर जाएगा। अपने क्लास में भी ऐसा सम सॉल्व कर रखे हैं, आईसीडीआर का अपने प्रैक्टिकल सॉल्व कर रखे हैं क्लास में सेम टाइप का। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक ट्रेडिंग क्या होना चाहिए प्लान। फिर एग्जामिनेशन बोला है ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं कर, कौन सा क्वेश्चन है, सेबी टेकओवर कोड का है ना, तो अपने ओपन ऑफर विड्रॉ नॉर्मली तो नहीं कर सकते, बट अगर वो कंडीशनल ऑफर रहा कि देखो अगर इतना 26% मेरे को नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे विड्रॉ, तो अलाउड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का बेनिफिट्स वगैरह लिखना है म्यूचुअल फंड चैप्टर का। लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट्स नेम मोर देन वंस। ऐसा है कि एक बार लिस्टेड एंटिटी अगर नाम क्या कर दिया तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू उसका आउट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम, और वो अगला एक साल तक तो वापस से नाम चेंज नहीं कर सकता। और याद है वो लिखेगा अपना पुराना नाम और नया नाम। फिर वॉरेंट कैन नॉट बी इश्यूड अलॉन्ग विद पब्लिक इशू और राइट इशू। इशू करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, SRN GM वॉरेंट का बारे में लिख देना। तो 6 नंबर एक गंदा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप 6 का ए ऑप्शन में अटेम्प्ट करना चाहेंगे, शॉर्टकट पूछा ऑफशोर डेरिवेटिव, वही जो अभी अपने पढ़ रहे थे, बोले थे ना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बहामास। नॉमिनेटेड इन्वेस्टर कौन होता है, QIBs, जो अग्री करता है कि हम लोग शेयर खरीद लेंगे। इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट प्रोग्राम, माई गॉड पूरा ICDR दबा कर लिख सकते हैं। फिर वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में आपको लिखना है। सिंडिकेट मेंबर कौन होता है, अंडरराइटर्स, यू रिमेंबर, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं लिख सकोगे क्या, तो इसमें बेटर क्वेश्चन कौन सा था, 6 का ए। तो देख रहे हो तुम पूरा 100 मार्क्स का पेपर क्या कर सक रहे हो अटेम्प्ट, बट एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होता है, पहले हम बता दें। तो इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 90 मार्क्स फुल हेल्दी एंड 10 मार्क्स घसीटा, इट विल डू, बट हम बता दे रहे हैं छोड़ करके बताना, क्योंकि अगर एवरेज चेकिंग हुआ तो जो 90 मार्क्स सॉलिड लिखा है उसमें तेरे को 45 दिया और तुम टाइम अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें तेरा 5 से 6 नंबर चला गया। अगर एवरेज हुआ तो 10 नंबर घसीटा में भी तो उतना ही मिलेगा जो 90 क्वालिटी वाला में मिला है। ये गंदा सा क्वेश्चन था सम्स, ठीक है, ये फाइनल लेवल पर क्वेश्चन आता है जो एग्जीक्यूटिव में आया था। EPS इसका फॉर्मूला लिख लो, हम फॉर्मूला डिक्टेट कर दे रहे हैं 1 का ए का। पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। Let's go to the question, दोस्तों। ये फॉर्मूला कॉपी करिएगा ना, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू EPS इंटू वन माइनस बी, मतलब ग्रोथ रेट,
EPS into 1 minus B. B मतलब ग्रोथ रेट हा, B लिख दिया ना ग्रोथ रेट है, होल डिवाइडेड बाय KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी NROR, KE में लिख दो NROR, KE है NROR, KE है NROR माइनस BR, B तो बात हो ही चुका है ना, अच्छा BR मतलब B इंटू R, इतना समझ में आ रहा है ना, B तो चुका है ग्रोथ रेट और R क्या है रिटेंशन रेशियो, तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला गोज लाइक दिस। अब इस क्वेश्चन में देखो तुमको ग्रोथ रेट जो है ना वो दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा लग रहा है कि मेरा ईपीएस 18 आएगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर का ईपीएस 18 और अभी का ईपीएस तेरा है 16, तो अभी का ईपीएस हम लोग का 16 और लग रहा है 18 आएगा, तो ग्रोथ रेट निकल जाएगा 16 से 18। नहीं समझाया, बताओ 16 से 18 ग्रोथ रेट निकाल लो, 2/16 × 100, 16 से 18। ए एक सेकंड, अभी का ईपीएस कितना है, अभी का अर्निंग पर शेयर कितना है बोलो, 16, और फ्यूचर का कितना लग रहा है 18, तो कितना लग रहा है बढ़ेगा, तो 2 रुपया डिवाइडेड बाय अभी का कितना 16, 16 से 18 में ग्रोथ नहीं निकालोगे क्या, 2/16 × 100 12.5%, 2/16 × 100 कितना रहा है 12.5%, तो अपना फॉर्मूला बढ़ा दो आंसर निकल जाएगा। ईपीएस मुंह खोल करके बताओ, अभी वाला ईपीएस बताना कितना 16, अभी वाला ईपीएस है 16, 16 वन माइनस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना रहे 12.5%, एनआरओआर चेक कर तो कितना है 25% है क्या, 25% है ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एनआरओआर 25% मतलब 0.25 माइनस बी 12.5% है ना, 12.5% मतलब क्या होता है 12.5 / 100, हम 0.125 बोल रहे थे, कुछ और बोल रहा था 0.125, और रिटेंशन रेशियो 30% डिविडेंड है तो रिटेन 70% करेगा 0.7। अब बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, छोड़ना जो भी आएगा आएगा, तो ये फॉर्मूला एग्जाम में याद करके चले जाना। ये तो देखो एकदम बाबू सोना वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एकदम बाबू सोना वाला है, तुमने 1000 रुपया का बॉन्ड खरीदा कितना में पता 950, ए तुमने कितना रुपया लगाया 950 रुपया लगाया, अब ये अगर नहीं हो रहा मतलब डिफेक्ट है तुम्हारे, बताओ 1000 रुपया का बॉन्ड तुमने 950 रुपया में खरीदा, कूपन रेट 12% है, तुमको इंटरेस्ट 12% 950 के ऊपर मिलेगा कि 1000 के ऊपर, पेशली 1000 के ऊपर, तो तुमको क्या क्या, और फिर तुमने 960 में बेच भी दिया एक्सेल बता, अरे वाह, कितना में खरीदा था बेचा कितना में, 950 का माल तुमने 960 में बेचा एक साल बाद, कितना का मुनाफा 10, तो 10 रुपया तुमने कमाया, और जो मलाई मिला इंटरेस्ट का 1000 के ऊपर 12% भी मिला होगा, बताओ कितना 1000 के ऊपर 12% चेक करो फटाफट बताओ 120, तुमने टोटल 130 रुपया कमाया है, कितना लगा करके तुमने इन्वेस्ट कितना किया था 950 100 कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्व करके बताओ, तुमने 950 का बॉन्ड 960 में बेचा तो 10 कमाया और इंटरेस्ट 120 रुपया कमाया, तो 130 रुपया का मुनाफा है, और तुमने रुपया कितना लगाया था इन्वेस्टमेंट 950 का किया था, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, और ये पूरा एक साल का है ना, इसलिए इसको एक साल में कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है क्योंकि ये पूरा एक साल का है, बताओ कितना आ रहा सॉल्व करके 13.6 व्हाटएवर 6.1%,
अब ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक म्यूचुअल फंड है जो इतना शेयर्स खरीद रखा है, इतना मार्केट प्राइस चल रहा है, तुमको पोर्टफोलियो का वैल्यू पूछा है, अरे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, क्या हम भी ऐसा कुछ दिखाए थे अपना कभी लाइफ में पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो का वैल्यू कैसे निकालोगे? दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, सबको जोड़ देना, इतना शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस कुछ आएगा, इतना शेयर इनटू मार्केट कुछ आएगा, इनटू इनटू करके कुछ आएगा, सबको ऐड। पोर्टफोलियो का वैल्यू समझ में आता है कैसे निकलता है? हम अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू ऐसे ही तो निकाल करके दिखाए थे, इतना शेयर है, इतना मार्केट प्राइस है, ये मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है, नहीं देखे थे कभी? तुमको इसका एनएवी पूछा है, क्या पूछा है? तो जो पोर्टफोलियो का वैल्यू आया, पोर्टफोलियो का वैल्यू, उसमें से मेरा मैनेजमेंट को फीस चुकाना बाकी है 30 लाख, तो मेरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है माइनस मेरे को 30 लाख चुकाना है बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये सब तो एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मेरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू आया उसमें से 30 लाख मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करना है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स म्यूचुअल फंड का, इतना दिया हुआ है, एनएवी निकल जाएगा। सिंबल, अब इसका फेस वैल्यू तुमको दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो आराम से तुम इसका रिडेम्पशन प्राइस निकाल सकोगे, और जो क्वेश्चन पूछा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसमें से एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो कर ही लेना था, 2 क्वेश्चन तो पूरा सही, और एक एवरेज स्टूडेंट को इसमें से 2-2 सम तो आराम से कर लेना था, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 या 2 का ये बेटर ऑप्शन क्या रहता है मेरे बच्चों? हाँ, इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि बेटर ऑप्शन क्या रहता है? 2 ट्रैकिंग स्टॉक मक्खन के साथ लिख सकोगे, ऑप्शन फ्यूचर लिख सकोगे, हेज फंड जीडीआर लिख सकोगे। 2 का एम है, कुछ याद आ रहा है एस्बा के ऊपर अपने शॉर्ट नोट पढ़ते थे 5 नंबर का, मेरा आईसीडीआर चैप्टर का लास्ट टॉपिक एस्बा। बोलो, फिर सेबी का रेगुलेशंस पूछा है जो शॉर्ट करता हूं उन लोग के लिए, सिंपल है। फिर ये देखो, आई तो आ गया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। कैसे बच्चे, अरे बाबा 2 बार पढ़ाए, एक डेट मार्केट में भी था ये वाला और एक आईसीडीआर, सेम आंसर था दोनों में बट 2 जगह था, याद करो, बहुत सारा 15-20 तो पॉइंट था। किन लोगों को याद आ गया हेडिंग देख करके कि यहां कौन सेंस से लिखना है? फुल एंड आंसर याद नहीं है बट पता है क्या लिखना है। ओके, ओए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मेनली इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुमको एक्सप्लेन करने बोला वेरियस इंस्ट्रूमेंट, खुला सांड की तरह चालू कर देना है, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, सुनाया? लेकिन तुमको देखो यहां पर क्या बोला है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंटेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी ट्रेजरी बिल हो गया, बैंकिंग सेक्टर यानी सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया, प्राइवेट सेक्टर मतलब कमर्शियल पेपर हो गया। तो तुमको बाइफरकेट करके लिखना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे हो गया ट्रेजरी बिल, बैंकिंग सेक्टर वाला हो गया सर्टिफिकेट डिपॉजिट, प्राइवेट सेक्टर वाला हो गया कमर्शियल पेपर, तो आप तीनों को एक्सप्लेन कर देना। अरे वाह, आ गया एएफ से कैटेगरी 1, 2, 3 की फीचर्स ऑफ एएफ कैटेगरी, दबा कर सकेंगे क्या मेरे बच्चे कि कैटेगरी 1 कहां पैसा लगाता है, 2 और 3 कहां पैसा लगाता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एडीआर जीडीआर, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एडीआर जीडीआर, पूरे एडीआर जीडीआर एक्सप्लेन कर देना है, फिर कंडीशंस फॉर इशूइंग जीडीआर एंड बीआरएड बीएम एसआरएन जीएम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंसिपल अप्रूवल एंड फाइनल अप्रूवल, जो कि फॉलोइंग कंडीशंस देख करके देगा, आरबीआई अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अरे वाह, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इशू ऑफ क्या बताओ ना, आईडीआर, अभी तो बताए थे रे आईडीआर का 50 प्री इशू पेड अप कैपिटल एंड फ्री सब $50 मिलियन, एवरेज मार्केट कैप पिछले 3 सालों का $100 मिलियन, 3 साल आउट ऑफ 5 साल में डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 3 साल से लगातार लिस्टेड है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री से ज्यादा 1 साल में आईडीआर इशू नहीं कर सकता, मिनिमम 50 करोड़ का इशू करेगा अगर कंपनी आईडीआर इशू करना चाहता है, इन्वेस्टर कम से कम ₹20,000 लगाएगा पर इन्वेस्टर एंड एटलीस्ट 50% टू QIB। फिर ये वही सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में जो है ना, जजमेंट इज क्वालिटेटिव, देखो कैसे घुमा करके बोला है, कैसे घुमा करके बकवास कर रहा है, जजमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर एंड रोल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज टू हेल्प, हम लोग का जो जजमेंट है तो क्वालिटेटिव, कि क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, कंपनी का क्वालिटी अच्छा है कि, तो हम लोग कंपनी का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं वो तो क्वांटिटी फिगर से करके देते हैं ना, फिगर्स डोंट लाइ, नहीं समझ आ रहे क्या बोल रहे, तो
कंपनी का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, हम लोग क्या देख करके देते हैं, क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव फिगर्स का एनालिसिस करते हैं, डेट ज्यादा तो नहीं है, लॉस ज्यादा तो नहीं है, एंड अपना ओपिनियन देते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग डिपेंड्स ऑन वैलिडिटी ऑफ द क्राइटेरिया एंड द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस. देखो, रिलायबिलिटी ऑफ द रेटिंग डिपेंड्स ऑन वैलिडिटी ऑफ द क्राइटेरिया एंड क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस. अब तुमको बताओ इसमें क्या लिखना है, बहुत ध्यान से. रेटिंग के ऊपर रिलायबिलिटी कब बढ़ेगा, जब मेरा क्राइटेरिया वैलिड था, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस अच्छा था. बताओ इसमें तुमको क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखना है अच्छा रेटिंग एजेंसी का, नहीं मेरा वैलिडिटी ऑफ द क्राइटेरिया. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रेट कर रहा हूं, किसको रेट कर रहा हूं, तो उस समय मैं क्या क्या क्राइटेरिया कंसिडर करूंगा. एंड फाइनेंशियल सर्विस में कैमल्स, समझाया. फिर यार सेबी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, तो सेबी ने आज क्या काम किया है वही समझ जाओ. तुमको कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी डिस्कस करना है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी में याद है ना, एक चेयरमैन रहता है, 8 अदर मेंबर्स, नहीं याद आया, वन फ्रॉम आरबीआई, वन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बताओ. हाँ, टोटल 8 रहता है, एक चेयरमैन हो गया, एक आरबीआई से हो गया, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो गया, 5 अदर मेंबर, 3 होल टाइम रहेगा उसमें से. ठीक है, फिर इनिशिएटिव टेकन बाय सेबी, इनिशिएटिव टेकन बाय, अपना चैप्टर 1 में है इनिशिएटिव टेकन बाय सेबी, चैप्टर 1 में जो एक पन्ना है. कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम प्राइमरी मार्केट टू डिफरेंट मेथड्स, पता प्राइमरी मार्केट टू डिफरेंट मेथड्स बाय मींस ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट रेंडरिंग. तो आईपीओ, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ, एफपीओ, ठीक है, और फिर रेंडरिंग प्रोस्पेक्टस को एक्सप्लेन कर देना है. कंपनी लॉ में पढ़े थे ना रेंडरिंग प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस कुछ याद करो, पूरा बुक बिल्डिंग का चार्ट पढ़े थे अपने आईसीडीआर चैप्टर में, कैसे बच्चे हैं, प्राइस बैंड, फ्लोर कैप, लीड बुक रनर अपॉइंट होता है, कहां गया आईसीडीआर चैप्टर, आईसीडीआर आईसीडीआर पे नंबर, हाँ अच्छा 129, हाँ भैया 100 पन्ना का तो वही चैप्टर है, ये रहा 129 आई, वहां से चालू हो रहा है क्या गांजा, 129 से चालू हो रहा है, बोला वहीं आ जाइए. पेज तुम लोग बता रहे हैं 187 क्या, बुक बिल्डिंग कुछ ऐसा याद आ रहा है, बुक बिल्डिंग पूरा फ्लोचार्ट से समझाया गया था, अरे कुछ पेन का दाग है कि नहीं चेक करो, ये पूरा बुक बिल्डिंग का फ्लोचार्ट था जो अपने क्लास में डिस्कस की थी, एग्जाम में बना दोगे ना एग्जामिनर पागल हो जाएगा. 6 नंबर में राइट इशू पूरा आराम से लिख सकते हैं, हाँ 8 नंबर का, हाँ तो अपने भी 2 पन्ना आपका पूरा राइट इशू का आईसीडीआर चैप्टर में पढ़े थे. स्कोर्स लिख सकेंगे क्या, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो तो पीएमएलए के हिसाब से लिख देना. अगेन ज्यादा बेटर क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला 4 नंबर का 500 कॉन्करेंट ऑडिट डिपॉजिटरी चैप्टर में आराम से लिख सकेंगे. मॉडल्स ऑफ डिपॉजिटरी दो होता है, फर्स्ट टैक इशू दबा करके, पॉइंट का कोई कमी नहीं है फर्स्ट टैक इशू में. पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टडियन एंड रेशो एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन लोगों का नेटवर्क और फंक्शंस लिख देना. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आया, हा क्या पैनिक करेंगे क्वेश्चन पेपर देख करके, एकदम नहीं, ढूंढना है कि कौन सा चैप्टर में था, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक दो शब्द तो समझ में आया होगा, उसको पकड़ करके लिख देना, छोड़ करके नहीं आना. क्या ये क्लास यूजफुल था, इसमें ओवरऑल तुमको एक ओवरव्यू मिल गया, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ मच मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड फास्ट मैनर. ओके, नेक्स्ट रिविजन क्लास कल रहेगा अपना 11 बजे. थैंक यू, बाय बाय.